जय माता दी ऑल एंड वेलकम बैक। आज से जहां हम छोड़कर गए थे वहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ बोलूं, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेशन में जाने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं स्टूडेंट लाइफ के लिए ऑल ओवर इंडिया। चाहे आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप टू कर रहे हो या ग्रुप वन कर रहे हो या प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि स्टूडेंट लाइफ में ईमानदारी और ऑनेस्टी पहले दिन से होना बड़ा मुश्किल काम है। विद द कॉन्सेप्ट्स ऑनेस्टी, विद द कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे ऑनेस्टी बनती है, धीरे धीरे ईमानदारी डेवलप होती है। सबसे पहली चीज़ उसके लिए सही मार्गदर्शन होना चाहिए। जो टीचर कहे कि एग्जॉस्टिव पढ़ना है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है, प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे सीए है, सीएस है, सीएम में है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो बहुत ईमानदारी से एग्जॉस्टिव पढ़ना है। शॉर्टकट पढ़ोगे तो फिर उसके अंदर बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आपके पंखों में जान नहीं आएगी। मैंने पहले भी समझाया था, आपके पंख वीक रह जाएंगे अगर आपने शॉर्टकट में सिलेक्टिव पढ़ाई की, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी में बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। तो पहली चीज़ तो सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसके बाद आपके अंदर वो ब्रेवरी होनी चाहिए, आपके अंदर एज स्टूडेंट वो ब्रेवरी होनी चाहिए कि आप एग्जॉस्टिव पढ़ाई कर सको। हाँ जी, एग्जॉस्टिव पढ़ाई करने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए, नहीं तो काम चोर तो बहुत सारे हैं। 90% तो मैं कहूँगा शायद काम चोर है, जो कहते हैं कि नहीं यार हमें ना शॉर्टकट में ही पढ़ा दो, हमें नहीं जाना, हमें लॉन्ग टर्म वगैरह में नहीं जाना, हमें वो मतलब एग्जॉस्टिव पढ़ाई में नहीं जाना, बस एग्ज़ाम किसी तरीके से पास करवा दो, बस डिग्री मिल जाए, बस किसी तरीके से नॉलेज ना मिले चाहे कोई बात नहीं। तो सिलेक्टिव पढ़कर भी बच्चे पास हो ही जाते हैं, तो मैं कहूँगा पास होने वाले लोग अब दो तरीके के हैं, जो सिलेक्टिव पढ़ के पास हो जाते हैं, और दूसरा जो एग्जॉस्टिव पढ़ाई करके पूरे महाग्रंथ पढ़कर पास होते हैं। डिग्री दोनों के पास है, लेकिन फ़र्क बहुत है यार, दोनों की अर्निंग लेवल लेवल में फ़र्क है, दोनों के प्रोफेशनल करियर में बहुत फ़र्क है। चाहे आप LLB देख लो या आप कोई भी MBA देख लो, BTech देख लो, CA, CS, CM में आप कोई भी ले लो, बोलने के लिए ना फालतू बातें बहुत बोली जाती है। इमेच्योर लोग बहुत बोलते हैं यार सबके पास डिग्री है तो सबका लेवल बराबर है, ऐसा नहीं है भाई। LLB करने के बाद ऐसे लोग भी हैं जो दिन के 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये कमा रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो 1 घंटे के 40-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। वो ऊपर से नहीं टपक के आए, आसमान से नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं और 1 घंटा वहाँ बहस करते हैं, 50 लाख रुपए फीस ले लेते हैं उसकी। तो LLB की डिग्री तो दोनों तरफ है, या मैं तो कहूँगा LLM तक की डिग्री भी बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ है, लेकिन फिर भी दोनों के अर्निंग लेवल में बहुत फ़र्क है, क्योंकि दोनों के फंडामेंटल जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत फ़र्क है, नॉलेज बेस में बहुत फ़र्क है। तो ये बातें ना कोई आपको बरगलाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बोले कि बस पास हो जाओ, बस डिग्री मिल जाए, फंसना मत। तो पहली चीज़ नंबर वन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सही मार्गदर्शन चाहिए। नंबर टू एंड दैट इज आपके अंदर भी ब्रेवरी होनी चाहिए, तो जाकर बात बनेगी। नंबर थ्री, आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट हार्डवर्क दिन रात करना पड़ेगा, दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप कहोगे हाँ मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मैंने शॉर्टकट नहीं लिए, मैंने चीटिंग नहीं की पढ़ाई के साथ, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ चीटिंग नहीं की, मैंने अपने खुद के फ्यूचर के साथ चीटिंग नहीं की। आपको एक ग्रुप देना है, 6 महीने, 8 महीने मेहनत लगेगी यार, और बहुत मेहनत लगती है, सबको मालूम है। सो वेल आई विल से, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें याद रखना आप। नंबर वन, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए, एंड नंबर थ्री, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो जाकर आप 6-8 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद जाकर बोल पाओगे कि हाँ हम ईमानदार हैं पढ़ाई के साथ, और हमने इस ईमानदारी को डेवलप किया है। नहीं तो गलत रास्ते पे जाने वाले दूसरी तरफ हैं। अगर मैं बोलूँ गलत मार्गदर्शन मिल रहा है शॉर्टकट पढ़ाने के लिए, सिलेक्टिव पढ़ाने के लिए, सिर्फ डिग्री ले लो बाद में देखा जाएगा, कुछ नहीं हो, जिंदगी खराब हो जाएगी यार, और दूसरी तरफ ब्रेवरी का एलिमेंट कम हो जाता है बच्चों में, नहीं यार सिलेक्टिव ही पढ़ेंगे, शॉर्टकट पढ़ेंगे, इतना मोटा ICSI मॉड्यूल कौन पढ़े, वेबसाइट्स खोल खोल कर कौन एनालिसिस करे, कौन रिसर्च करे। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी इन द शॉर्टकट, कंसिस्टेंसी इन द सिलेक्टिव पढ़ाई, और अगर दो बातें होंगी, या तो लुढ़क कर फेल होकर CS कोर्स छोड़कर या प्रोफेशनल कोर्स छोड़कर निकल गए, CA, CS, CM में सबके लिए एप्लीकेबल है, या फिर गलती से अगर पास हो भी गए और बिना एग्जॉस्टिव स्टडी के, बिना सॉलिड कॉन्सेप्ट्स के पास हो गए, तो ये मत बोलना कि मेरे पास डिग्री बहुत अच्छी है तो मेरे ऊपर छप्पर फाड़ के पैसे की बारिश होनी चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी। फिर आपको जिस जिस हिसाब की नॉलेज है उसी हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट भी करेगा, आपकी सैलरी भी वैसी ही फिक्स होगी। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, ये सच्चाई है।
हाँ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ, एग्जॉस्टिव नॉलेज के साथ पढ़कर पास हुए हैं। स्टार्टिंग सैलरी सीएस की डिग्री मिलने के बाद कितनी मिल रही है? 5 लाख रुपीज़ पर एनम, 6 लाख रुपीज़ पर एनम। लेकिन उनको ना 1-1.5 साल में फिर ग्रो होते हुए देखो आप, मतलब शुरू में लगता है कि कम है। ऐसा कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहूँगा वो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनके बारे में अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मतलब स्टार्टिंग सैलरी 6, मेरे स्टूडेंट्स के साथ रिसेंटली हुआ, अभी 2022-23 की बात बता रहा हूँ, जितेश गोयल स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख रुपीज़ पर एनम, और उसके बाद 1-1.5 साल जॉब करने के बाद नेक्स्ट जंप 13 लाख रुपीज़ पर एनम, 1-1.5 साल की जॉब के बाद। मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो भाई बंदे में दम है ना तो ले जाएगा, और वो ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर था जितेश गोयल। तो मतलब इसका मतलब ये है कि उसके फंडामेंटल्स में दम था, कि दिल्ली राउंड जीता, नॉर्दर्न इंडिया राउंड जीता, फिर ऑल इंडिया राउंड जीता, चेन्नई गए, चेन्नई जाकर और या गोवा गए, वहां जाकर फाइनल राउंड हुआ, तो दिल्ली से वहां तक आने जाने का खर्चा आईसीएसआई ने दिया। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एंड वेल ही हिमसेल्फ हिज फ्रेंड, मतलब पता चलता था कि बच्चे ना दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पढ़ाई की है, ईमानदारी को डेवलप किया है। कुछ ईमानदारी अंदर से थी कि हमें सही रास्ते पे चलना है, वो ब्रेवरी भी थी, ब्रेवरी होना जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब अचीवमेंट्स के लिए यार मेहनत लगती है यार। चलो अब वापस आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, तो मैं कहूँगा इसको सेशन नंबर 4 कहें, लेट अस से दिस इज सेशन नंबर 4 व्हेन वी आर स्टडिंग सीएमएसएल। एंड हम बात कर रहे थे जाते हुए कि हम ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, वेन टू बाय, वेन टू सेल, और इन चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो वेन टू बाय अ पर्टिकुलर शेयर इन द स्टॉक मार्केट एंड वेन टू सेल अ पर्टिकुलर शेयर इन द स्टॉक मार्केट। वैसे तो मैं कहूंगा इसके पीछे अगर मैं टेक्निकली बात करूं, देर आर 11 पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। किसी शेयर को टच करने से पहले, खरीदने से पहले 11 पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और ज़्यादा आपके दिमाग में आ जाए वो रख लेना, 11 तो मुझे ही मालूम है। एंड देन देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। एक बड़ा सिंपल सूत्र है, बहुत ही सिंपल सूत्र है, जो स्टॉक मार्केट में समझदार इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं, बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग, वो समझाने जा रहा हूँ आपको। सो अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ आंसर क्या है हमारा, बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके घर में काम करने वाली मेड जो बर्तन धोती है, जो झाड़ू पोछा लगाती है, साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, जब वो बोलने लगे, जब आपकी बिल्डिंग का चौकीदार बोलने लगे सो एंड सो कंपनी का शेयर ना आसमान में चढ़ गया है, बहुत ऊपर चढ़ गया है, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी खरीदना है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये समझ जाना कि वो उस शेयर को खरीदने का टाइम नहीं है, वो शेयर को बेचने का टाइम है। और फटाफट अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर पहले से पड़े हैं तो फटाफट बेच दो। अगर चौकीदार और मेड तक को पता चल गया ना कि सो एंड सो शेयर आसमान में चढ़ा जा रहा है, और ये तो मतलब हर कोई यही बोल रहा है पूरी दुनिया में, खरीदो खरीदो खरीदो, तो दैट इज द राइट टाइम टू सेल, सिंपल वर्ड्स में बोले। और अगर किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए स्टॉक मार्केट में न्यूज़ है, ये तो बर्बाद हो गई कंपनी, ये तो शेयर बर्बाद हो गया, हम लुट गए, और मैं कहूँगा ऊपर वाले की कृपा से आपने वो शेयर पहले खरीद नहीं रखा था, खरीद नहीं रखा था, तो और वो बिल्कुल मिट्टी हुआ जा रहा है शेयर, बिल्कुल नीचे लुढ़का जा रहा है, और थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन दैट इज़ द राइट टाइम टू बाय द शेयर, उस शेयर को खरीदने का वो सही टाइम है, अगर कंपनी में फंडामेंटली दम है, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कंपनी में वापस बाउंस बैक करने की पावर है तो खरीद लेना चाहिए। और वो दिखाने जा रहा हूँ अभी आपको, उसको मार्केट गुरु किस लैंग्वेज में बात करते हैं वो भी बात करने जा रहा हूँ। सो बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग, आप जिंदगी में 99% आप सुखी रहोगे, आप सुखी रहोगे और अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। और उसको अब बताता हूँ कि हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आरएसआई फैक्टर। चेक कर लो अगर किसी शेयर का, और अभी दिखाऊंगा आपको ग्राफ दिखाऊंगा, आरएसआई फैक्टर 70, एक रेंज होती है आरएसआई की 70 और 30 की, अगर आरएसआई चल रहा है अबव 70, आरएसआई फैक्टर चल रहा है अबव 70, तो इसका मतलब वो ओवरबॉट शेयर है,
ओवरबॉट जोन में है। वो शेयर जो है मार्केट में बहुत लोग ऑलरेडी खरीद खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में भर चुके हैं, और अगर किसी शेयर का आरएसआई चल रहा है 30 के नीचे तो वो ओवरसोल्ड शेयर है और लोग बेच बेच के परेशान हैं, खरीदने वाला मिल नहीं रहा, मतलब मैक्सिमम सेलिंग हो रही है, बायर्स मिल नहीं रहे हैं, तो सेल ऑर्डर लगे पड़े हैं मार्केट में, सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर बहुत लगे पड़े हैं, बाय ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, और एक्सेसिव वेल फॉल है शेयर के अंदर एंड द आरएसआई इज बिलो 30। अब इसको समझते हैं। अच्छा, आरएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है सर? इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे जाना, आपको वहां पर मिल जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर शेयर, वी से आरएसआई ओवर देयर। तो अभी मैं उसमें मतलब ऑसिलेशन में चलता है वो आपको समझाने जा रहा हूँ कैसे होता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या करना है, आप लोगों को भी क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले क्या करना, गूगल खोलना और गूगल पे क्या लिखना, गूगल के ऊपर लिखना, मेरी एक आदत पड़ी हुई है मैं लिखता हूँ आप भी ऐसे लिख लेना, टाइटन आरएसआई चार्टिंग, टाइटल आरएसआई, टाइटन टाइटन आरएसआई चार्टिंग, मेरी एक मेरे ना गूगल पे सेव्ड ही है, तो मैं तो जैसे टी लगाता हूँ तो वो आ जाता है, और टाइटन आरएसआई चार्टिंग। तो और फिर यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर ऊपर आपको कंपनी का नाम टाइटन से चेंज करके जो भी करना चाहो वो आप कर लो, एंड यू कैन डू दैट। और फिर आपके सामने कंपनी, जो भी कंपनी का नाम आप लिखोगे, रिलायंस लिखोगे तो रिलायंस का आ जाएगा, एंड सो ऑन। आपके सामने अब यहाँ पर आ जाता है एक कैंडल चार्ट, इसको हम बोलते हैं कैंडल चार्ट, और ये बीच में जो आपको डॉट्स दिख रही हैं यहाँ पर, लाल 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 डॉट मतलब उस दिन शेयर का रेट नीचे गिरा था, और बीच में व्हाइट कैंडल है जो अभी आपको व्हाइट नहीं दिख रही होंगी, शायद ब्लैक डॉट्स दिख रही होंगी, मैं जूम करूंगा तो व्हाइट हो जाएंगी, मतलब व्हाइट कैंडल का मतलब उस दिन शेयर का रेट पर्टिकुलर डे ऊपर बढ़ा था। ये डेली कैंडल्स का चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर डेली कैंडल्स का चार्ट बना हुआ है, लेकिन ये कैंडल्स भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं नीचे आ रहा हूँ। यहाँ नीचे लिखा हुआ है आरएसआई, नीचे नीचे लिखा हुआ है आरएसआई, और यहाँ पर एक रेड लाइन है जो पहले से बनी हुई है, मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं उसके ऊपर सिर्फ अपना पेन मूव कर रहा हूं, और नीचे एक ग्रीन लाइन है। अब जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होती ये बातें और फिर मार्केट में झटका खाते हैं। तो ये जो नीचे ग्रीन लाइन है ये 30 है, यहां पर आरएसआई 30 है, ऊपर जो आपको रेड लाइन दिख रही है यहां पर आरएसआई 70 है, 30 और 70 ये आरएसआई है। अब यहां पर बीच में एक ब्लू कलर का कीड़ा चल रहा है, यहां पर एक ब्लू कलर का कीड़ा चल रहा है, तो ये लाइन चलती हुई नजर आ रही है, आपको भी दिखी रही होगी, मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं उसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं बार बार अलग अलग डायग्राम से मैं डार्क नहीं करूंगा, एक बार कर दे रहा हूं। ये जो ब्लू कीड़ा है ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर शेयर का अडानी पावर, मैंने डायग्राम खोला तो अडानी पावर का आरएसआई कहाँ जा रहा है, 70 के नीचे जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये ब्लू कीड़ा हमें क्या समझा रहा है, यहाँ आप देखो ज़रा क्या समझा रहा है, कुछ एक स्पॉट्स हैं यहाँ पर जब आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है, मतलब अडानी पावर इन दिनों में ओवरबॉट है, क्या है, ओवरबॉट है। यहाँ पर ये ग्रीन लाइन के नीचे जा रहा है, मतलब यहां पर क्या है, ओवरसोल्ड है, अडानी की कंपनी है, कभी ओवर बॉट है कभी ओवर सोल्ड है। फिर यहां पर इस रेंज में भी यहां बार बार दिख रहा है, यहां पर ओवर बॉट है, सारी दुनिया खरीदने में लगी हुई है, बैंक्स खरीद रहे हैं कंपनी के शेयर, बल्क में खरीद रहे हैं अडानी पावर के शेयर, बैंक्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रही है, एलआईसी ऑफ इंडिया खरीद रही है, परचेज कर रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आकर खरीद रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद रहे हैं, सब लोग खरीदने में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर दिखता है कि नीचे जाकर टच हुआ है, तो दिख रहा है कि कहीं ओवर बॉट है कहीं ओवर सोल्ड है। तो अगर 30 को टच कर रहा है, 30 के नीचे जा रहा है, तो मतलब ओवरसोल्ड जोन कैटेगरी में चला गया है, और जब ओवर बॉट है मतलब सारी दुनिया खरीद रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको बेचना है, आपको बेचना है, दिस इज द राइट टाइम टू सेल, जब सारी दुनिया खरीद रही है दिस इज राइट टाइम टू सेल। और अगर हम कह रहे हैं यहाँ ओवरसोल्ड है, जहां आपको ये ओवरसोल्ड नजर आ रहा है इस जोन में, सारी दुनिया बेच रही है और आरएसआई 30 के नीचे है, इट इज राइट टाइम टू बाय,
कोई नहीं बताता ये बातें, स्टॉक मार्केट की छुपी हुई बातें। और इसका मतलब ये, अभी तो मैंने ऊपर प्राइस देखा भी नहीं कि ऊपर प्राइस कहाँ पर है, शेयर कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे है। मैं तो सिर्फ RSI का जो बीच में ग्राफ चल रहा है वो देख रहा हूँ। और ये ब्लू कीड़ा या ब्लू कलर का जो मैंने कीड़ा बनाया, अर्थवॉर्म बनाया है, ये ब्लू ग्राफ ऊपर नीचे चल रहा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि कब खरीदना है कब बेचना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर्स। तो अगर आप देखो यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर भी अगर ऊपर नजर आ रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर यहाँ आपके पास प्राइसेज हैं। जहां जहां आपको RSI दिख रहा है 70 के ऊपर, तो ये प्राइसेज हैं आपके पास। और यहां जहां आपको दिख रहा है दिस इज बिलो 70, सॉरी बिलो 30, तो ये वो जोन है जहां सेलिंग सेलिंग हो सकती है, बॉटम्स हिट हो रहे हैं। सर 30 से थोड़ा सा नीचे आते ही हमने डर के मारे बेच दिया। अब देखो यहाँ पर मालूम है क्या कहानी है, और वापस से यहाँ पर ऊपर जा रहा है। ये आज की तारीख तक आ गए हम। क्या समझ में आ रहा है कि भाई जब 70 के ऊपर एकदम से भागा, अगर आपने यहाँ बेचा, हो सकता है अभी वो 70 के ऊपर चले और ऊपर चढ़ता रहे, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा। आपने मतलब मेरे कहते ये नहीं कि 70 के ऊपर गया और बेच दो। यहाँ पर आपको दिख रहा है 72 गया, यहाँ दिख रहा है आपको 78 गया, यहाँ दिख रहा है आपको 80 चला गया RSI इंडिकेटर। अगर आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस है, होल्ड कर लो थोड़ा सा, 72 गया, 78 गया, 80 गया, तो विल सी द पॉइंट इज कि यहाँ पर या यहाँ RSI वैसे तो नीचे आ गया उल्टा, यहाँ यहाँ बल्कि मैं कहूँगा यहाँ 80 है, यहाँ 75 है, यहाँ 72 है। तो RSI जो है वो कम हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है उधर, लेकिन है तो 70 के ऊपर ही। ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन है, ओवरबॉट जोन है। और इसका मतलब यह है कि सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अडानी पावर का शेयर खरीद खरीद के भर भर के रख चुके हैं, और अभी उनमें बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, तो अच्छा बाय ऑर्डर आ रहा है और अच्छे प्राइस पे आ रहा है, तो चढ़ रहा है। मतलब RSI हालांकि कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब हो सकता है बाइंग इंटेंसिटी कम हो गई है, बाय ऑर्डर्स में नंबर ऑफ शेयर्स की इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन पे करने की कैपेसिटी है, तो इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट इज पॉसिबल। तो अगर आप यहीं पर ही बेचकर निकलोगे, एक सर्टेन लेवल पे यहाँ पर बेचकर निकलोगे, फिर शेयर का रेट और ऊपर चला गया, दुखी हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे। ये ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं ना 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का होराइजन है, वो ये देखते हैं। जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, 20 साल, खरीद एक बार खरीदा तो 20 साल तक बेचना नहीं, वो ये सब नहीं देखते, वो ये सब कुछ नहीं देखते। वो ये मानते हैं कि हमने तो बेस्ट कंपनी खरीदी है, हमें बेचना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। सो जैसे हम टाइटन की बात कर रहे थे पहले, टाइटन बजाज वगैरह की, तो अभी कहानी ये है कि, और इधर भी देख रहा हूं तो यहाँ RSI गया 75, RSI 75 है, शेयर का रेट आसमान में पहुंचा हुआ है, मे बी समवेयर 430 रुपीज पर शेयर। तो RSI आपको यहाँ पर ये समझा रहा है, 80 है या 75 है या 72 है जो भी है, कि RSI भी ऊपर जा रहा है, RSI 70 के ऊपर है, शेयर का रेट भी ऊपर है, और एक फिर लेवल आएगा जब नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, वो तो होना ही है, ऊपर गया है तो नीचे तो आएगा। अगर ओवरबॉट है तो फिर जिन्होंने भर भर के रखा है ना, वो बेचेंगे भी, बैंक्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने भी भर के रखा है वो अल्टीमेटली बेचेंगे। तो ऊपर गया तो नीचे तो आना ही है, ये तो साइकिल है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, और यहाँ RSI नीचे आ गया, उसके बाद फिर से RSI चढ़ना शुरू हो गया, और फिर वो RSI 75 पहुंचा, इधर शेयर का रेट 430 पहुंचा। तो दिस इज राइट टाइम टू सेल, राइट टाइम टू सेल, अगर आपको प्राइस के हिसाब से दिखाता हूँ, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर जब 30 के नीचे गया, एक फॉल यहाँ आया था, यहीं बेच कर निकल जाओ, और यहाँ पर प्राइस जो था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 280, जब दिखा 30 के नीचे आया है, 280 का शेयर चल रहा है मार्केट में, 280 पे बेचो और निकलो। नहीं सर हम तो होल्ड करेंगे, अब कर लो होल्ड,
अब और नीचे गिरा, 30 के नीचे और गया, तो यहाँ दिख रहा है कि ये 200 200 की रेंज में आ गया शेयर। फिर यहाँ दिख रहा है 180 की रेंज में आ गया, 170 की रेंज में आ गया शेयर। तो भाई आपके ऊपर है, आप यहाँ पर बेचना चाहते हो या रिटेन करना चाहते हो। 180 170 चल रहा है। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, 280 में बेचकर निकलेगा, और फिर जब 170 आएगा, इतना नीचे आ जाएगा तो खरीदेगा, RSI और गिरने का इंतजार करेगा। दैट इज हियर, बीच में हम टच नहीं करेंगे शेयर को, बीच में टच नहीं करेंगे। जब 30 और 70 के बीच में है तब टच नहीं करेंगे। सिर्फ टच कब करेंगे, जब 70 के ऊपर जाएगा तो राइट टाइम टू सेल, 30 के नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, राइट टाइम टू बाय। गेटिंग दिस? सो वेल आई विल से, तो अब कहानी बस इतनी है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड कैसे कैसे करते हो, अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करते हो। यहाँ जहाँ जहाँ नीचे जा रहा है, बात समझ में आपको आ गई, और समझाता हूँ आपको आगे। यहाँ पर 70 के ऊपर है, ये तो लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है। सो इफ आई एम शोइंग यू अडानी नाउ, थोड़ा सा और ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ये अब रेड लाइन है और ग्रीन लाइन है, नीचे बनी हुई है। अब ये चार्ट जो है ना, ये इसमें मैंने नंबर ऑफ मंथ्स कम कर दिए हैं। पहले मैंने आपको 3 इयर्स वाला चार्ट दिखाया था, अभी ये चार्ट है ना, ये अभी 2nd August 2023 से लेकर अभी 25th January, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कैंडल्स अच्छे से दिखाई दे रही होंगी अब, 2nd August 2023 से लेकर, एंड दिस इज अप टू 25th ऑफ जनवरी 2024। देखो तारीखों से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो चाहे तारीखें 2026 हो, चाहे 2027 हो, 2028 हो, तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही कॉन्सेप्ट हमेशा जिंदगी भर अप्लाई होता रहेगा। और ये बीच में ब्लू कीड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 70 के ऊपर, बीच बीच में जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, 30 के लेवल के आसपास टच किया, फिर से वापस, अब फिर से थोड़ा सा नीचे, एंड सो ऑन। तो ये कहानी नजर आ रही है। हाँ जी, और यहाँ जो आपको मूवमेंट दिख रही है, ये तो RSI मूवमेंट है। तो RSI मूवमेंट के साथ अगर मैं यहाँ देखता हूँ, पीक लेवल टच हो रही है और शेयर का रेट नीचे गिर रहा है। तो यहाँ तक शेयर चढ़ा, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे। नीचे RSI की पीक आती है, ऊपर शेयर के प्राइस की पीक आ जाती है। समझ में आ रही होगी बात? नीचे RSI की पीक आ रही है और ऊपर शेयर के प्राइस की पीक आ रही है। फिर RSI इधर नीचे गिरना शुरू हो गया, इधर शेयर का रेट गिरना शुरू हो गया। अच्छा, हमें क्या मालूम कब तक गिरेगा? जब RSI 70 से नीचे 30 की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बीच में टच मत करो भाई। कब टच करेंगे? जब RSI 30 टच करेगा या RSI 30 के नीचे जाएगा। एग्जैक्ट 30 टच करेगा तो भी आप थोड़ा सा खरीदो, तो भी थोड़ा सा खरीदो। 30 के नीचे घुस जाएगा, 25 जाएगा, 22 जाएगा, 18 जाएगा, 13 जाएगा, तब खरीदो ना, तब कौन मना कर रहा है। सो वेलायल से ये जो बीच वाला कीड़ा है, मतलब ये समझा रहा है आपको, यहाँ बॉटम लेवल आ रहा है और यहाँ पर RSI 30 के नीचे नहीं गया, 31 के आसपास है, लेकिन मतलब आ गया एक बॉटम से, यहीं पर आ गया 31 के आसपास ही बॉटम आ गया। फिर यहाँ से शेयर का रेट चढ़ना शुरू हो गया, फिर यहाँ टच हुआ 70, यहाँ पीक आ गई, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गया। नीचे गिरते गिरते ज़्यादा नहीं गिरा। अब जब यहाँ पर बीच में कहीं है, RSI 55 है, हम नहीं टच करेंगे। फिर RSI बड़ा ऊपर गया, 70 के ऊपर गया, ये पीक आ गई, शेयर्स की पीक आ गई, इधर RSI बढ़ गया, उधर शेयर्स का रेट बढ़ गया। फिर उसके बाद RSI जब फिर नीचे जाना शुरू हुआ, तो अब नीचे नीचे नीचे, और ये फिर बीच में आया, पीक बनाई, फिर उसके बाद नीचे नीचे नीचे। तो वो कहानी समझ में आ रही है आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ब्रोकर भी नहीं बताएंगे बातें आपको, जो स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं कई सालों से, और कई धुरंधर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं बताएंगे। और कैंडल्स आपको अभी यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, वो जैसे जैसे मैं टाइम पीरियड कम कर रहा हूँ, 14 सितंबर से लेकर 25 जनवरी, 14 सितंबर 2023 से लेकर
25 जनवरी 2024 तक का चार्ट है, तो कैंडल्स थोड़ा सा क्लीन नजर आ रही है। व्हाइट कैंडल का मतलब शेयर ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल्स का मतलब शेयर नीचे जा रहा है। तो क्या अडानी के शेयर्स में भी ऐसा होता है? अडानी के शेयर्स में भी ऐसा, रिलायंस में भी होता है। रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, कब खरीदने, कब समझ में आ रहा है? जब ओवर बॉट है एंड वी आर सेइंग लोगों ने भर लिया, अब तो बैंक्स भी खरीद के बैठे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सब लोगों ने भर भर के खरीद लिया है। अब तो स्टॉक मार्केट में बेचेंगे और बेचेंगे, बिकवाली आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा, शेयर का रेट नीचे जाएगा ही जाएगा। लेकिन एकदम से नहीं झपटना कि नीचे जाते ही झपट लिया, नहीं, जब RSI 30 के नीचे चला जाएगा तब खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। एंड देन आई विल से RIL, तो रिलायंस की बात करें, रिलायंस यहाँ पर 30 के नीचे जा रहा है, रिलायंस इज गोइंग बिलो 30, यहाँ बॉटम लेवल हिट हो रहा है शेयर का, और यहाँ रिलायंस 70 के ऊपर निकल रहा है तो पीक लेवल शिफ्ट हो रहा है, यहाँ टच हो गया पीक लेवल, और उसके बाद फिर से ये कीड़ा नीचे जाना शुरू हो गया। ये आज की तारीख में रिलायंस कहाँ पहुँचा हुआ है? 60.05 RSI 25 जनवरी 2024। तो अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, खरीद लूँ क्या? यही सवाल होता है, खरीद लूँ? सब लोग यही पूछते हैं, खरीद लूँ क्या? तो मेरा आंसर क्या होगा? नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? इंतजार करो। कब तक इंतजार करो? जब अभी ये कीड़ा नीचे आना शुरू हुआ है, इंतजार करो। जब ये कीड़ा, ये जो ब्लू वाला वॉर्म है, ब्लू वॉर्म, अर्थ वॉर्म, जब ये नीचे आते आते कहाँ तक आएगा? 30 आएगा, गया था ना यहाँ पर 30, तो वापस 30 आएगा नीचे, और जब 30 नीचे आएगा तब खरीदेंगे। 30 के नीचे जाएगा जब ओवर सोल्ड जोन में होगा, व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग वी विल बाय, उस वक्त खरीदेंगे। सर अगर हमारे खरीदने के बाद और गिर गया सर, 2, 4, 5, 10 दिन और RSI और नीचे जा रहा है, सर पापा से डांट पड़ जाएगी। मान लो रिलायंस का शेयर हमने तब खरीदा जब RSI 30 के नीचे है, और हमारे खरीदने के बाद एकदम से ऊपर बाउंस नहीं हुआ, और नीचे गिरा, और नीचे गिरा, और नीचे गिरा। देखो मैं जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मुझे 100 रुपये लगाने हैं, पहले दिन मैं 10 रुपये लगाऊंगा, दूसरे दिन मैं 20 रुपये लगाऊंगा, तीसरे दिन मैं 30 रुपये लगाऊंगा, चौथे दिन मैं 40 रुपये लगाऊंगा। एक शेयर है जिसको मैं खरीदना शुरू करता हूँ, तो मैं इंतजार करता हूँ यार, अगर 4 दिन तक लगातार गिर रहा है तो चौथे दिन अगर मैं 40 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 20,000, और मैं देखता हूँ और गिर रहा है, और गिर रहा है, और गिर रहा है, और हो सकता है जहाँ पर मुझे लगा बॉटम है, हो सकता है वहाँ पर भी बॉटम नहीं था, RSI भी और गिर रहा है, शेयर का रेट भी और गिर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने 30 के नीचे तो खरीदा है ना, और इतनी बढ़िया इंडिया की नंबर 1 कंपनी का शेयर खरीदा है, और वो भी 30 RSI 30 के नीचे खरीदा है, तो ठंड रखो, शांति रखो, ऊपर तो चढ़ेगा ना वापस, चढ़ना तो है ही, RSI भी ऊपर तो जाएगा ही ना 70 के ऊपर वापस, तो पेशेंस रखो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने शेयर का रेट ऊपर जाएगा, 70 क्रॉस मारेगा, 70 जाएगा, 75-80 जाएगा, RSI 75-80 जाएगा तब बेचेंगे। एक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 70 टच करते ही बेच दिया RSI, थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे, और हो सकता है अगर RSI 85 पे पहले बेचा ना, RSI 85 है उस वक्त बेचा, उसके बाद शेयर का रेट और बढ़ गया, RSI भी बढ़ता जा रहा है और शेयर का रेट भी बढ़ता जा रहा है, बड़ा दुख होता है कि जब मैंने बेचा उसके बाद अगले दिन और बढ़ गया, 100 रुपये की जंप आ गई पर 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 शेयर, या 200 रुपये की जंप आ गई विद इन 2-3 डेज, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन भाई प्रॉफिट कमा के निकले हैं, रो क्यों रहा है? हाँ प्रॉफिट तो कमा कर निकले हैं ना, तो पैनिक में सेलिंग नहीं करना। पैनिक सेलिंग अगर 30, हमने तो सर 30 के नीचे खरीदा था आपके कहने पर, लेकिन उसके बाद और गिर गया सर, तो पापा की डांट पड़ रही है, बेचने का नहीं है। यही सबको समझाता रहा हूँ हमेशा पिछले 25 साल में, बेचने का नहीं है, पैनिक में नहीं बेचना, और उसके बाद क्या करना है, इंतजार करो, कीड़ा ऊपर जाएगा, चढ़ेगा ही चढ़ेगा, रिलायंस है भाई। सो समझ में आ रही बात, और दिखाऊं ये रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पीक बना रखे हैं, ये पीक दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, और बॉटम भी दिख रहे होंगे आपको, बॉटम भी नजर आ रहे हैं नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो भाई प्रॉब्लम क्या है? और अगर यहां देखूं तो RSI भी यहां नीचे है, एग्जैक्ट 30 नहीं गया, 30 के आसपास है, या 30 टच करता है और उठ जाता है एकदम से, 31 है, 32 है, और यहाँ तो काफ़ी नीचे दिख रहा है, मतलब इट इज़ गोइंग डाउन बिलो द लेवल्स। थर्टी टच कर रहा है, 30 के नीचे भी गया है इधर, तो
अगर मैं यहाँ नीचे वाले बॉटम पॉइंट्स देख रहा हूँ तो वही 30 के आसपास दिख रहे हैं मुझे, 30 के, अगर 30 के नीचे नहीं गए तो 30 के आसपास है। अच्छा, ये 100% परफेक्शन के साथ नहीं है, ये इंडिकेटर ज़रूर बहुत बढ़िया इंडिकेटर है लेकिन ये 100% परफेक्शन नहीं है इसमें, लेकिन कई जगह बहुत ही अप्रोप्रिएट मिलता है। लॉस कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, ये मेरी गारंटी है। रिलायंस का शेयर आप खरीद रहे हो जब RSI 30 के नीचे है या 30 के आसपास है, 31, 32 है, 33 है, उस रेंज में आ गया है, ओवरसोल्ड वाली रेंज में आ गया है, तो उसके आसपास खरीद रहे हो तो आपको लॉस तो नहीं हो सकता, वो तो बात ही नहीं है। और अगर यहाँ देख रहा हूँ उल्टा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब 70 टच कर रहा है और इधर पीक लेवल टच कर रहा है तो यहाँ 70 के आसपास पहुँचा हुआ है, ये 70 क्रॉस होकर 75 गया हुआ है। ऑलमोस्ट कई बार 70 से नीचे भी रिटर्न मारा हुआ है, तो अगर यहाँ देख रहा हूँ दिस इज देयर, दिस इज देयर, अब मैं प्राइस, वैसे तो मैं प्राइस से RSI पे आ रहा हूँ, सही तरीका क्या है RSI से प्राइस पे जाना। और जो रीसेंट चल रहा है वो ये चल रहा है, तो अगर अभी रिसेंटली रिलायंस कुछ टाइम पहले 70 के ऊपर था, RSI 70 के ऊपर था और पीक बना रहा था, पीक लेवल टच कर रहा था, लेकिन वहां से अभी नीचे की तरफ मुड़ चुका है, वहां से वापस नीचे की तरफ मुड़ चुका है और RSI अब 70 से नीचे आना शुरू हो चुका है, आ रहा है ना नीचे, और अभी करंट डेट में क्या दिखा रहा है, 60.05। तो भाई इंतजार करो, रिलायंस का शेयर अभी नहीं खरीदना, चाहे वो कुछ दिनों से नीचे गिर भी रहा है, नहीं खरीदना। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस, तो यहाँ से अब लोग यही कहते हैं सर ये तो गिर रहा है नीचे, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पर क्या इस लेवल पे खरीद लें? मैं कहता हूँ भाई मत खरीदो, क्योंकि झटके से 2 दिन ऊपर चढ़ा, अगर आपने 2 दिन का फायदा लेकर इतना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खरीदा और फिर बेचा तो शायद आप फायदे में रहोगे आने वाले टाइम में। अभी नीचे जाने का स्कोप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ऊपर जाने का स्कोप कम दिख रहा है, नीचे जाने का ज़्यादा दिख रहा है। सेफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फैक्टर वाइल यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो ये नहीं कि आपका RSI गया 60 और या 55 और आपने झपट्टा मार लिया, मत मारो। और आपको दिख रहा है ना कि ऊपर नीचे की मूवमेंट कितनी ज़्यादा दिखाई मैंने आपको, मतलब ये जो मूवमेंट आपने देखी है रिलायंस के शेयर में, इंडिया की नंबर 1 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मतलब गजब है यार। कितने लोगों ने बॉटम पे खरीदा होगा और टॉप लेवल पे बेचा होगा, जिसने बॉटम पे खरीदा होगा टॉप लेवल पे बेचा होगा प्रॉफिट, जिसने टॉप लेवल पे खरीदा और बॉटम लेवल पे पैनिक में बेचा वो लॉस। किसी के लिए रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, किसी के लिए रिलायंस बहुत बुरी कंपनी है। गंगूताई के लिए रिलायंस बहुत बुरी कंपनी है, वो जो आपकी घर में काम करने वाली मेड है या जो वॉचमैन है, वॉचमैन के लिए रिलायंस बहुत बुरी कंपनी है। क्यों? वॉचमैन ने तब खरीदा जब वॉचमैन को पता चला, शोर मचा हुआ था, रिलायंस का शेयर ऊपर दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा, मतलब पीक लेवल पे पहुंच गया, तब खरीदा उसने जब उसको हर जगह पूरी दुनिया में शोर सुनाई दे रहा था, और उसके बाद खरीदा और शेयर गिरना शुरू हो गया। तो वॉचमैन तो यहाँ पर खरीदता है पीक लेवल पे, और वॉचमैन जो है बिल्डिंग का वॉचमैन यहाँ पर सेल करता है बॉटम लेवल पे, और मैं कहूँगा वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप लोग वॉचमैन नहीं हो वहाँ, अब आप लोगों को RSI का चक्कर मालूम है कि RSI अगर 70 के ऊपर है ये खरीदने का टाइम नहीं है, दिस इज ओवर बॉट ऑलरेडी, दिस इज राइट टाइम टू सेल, यहाँ पर ओवर बॉट है एंड दिस इज राइट टाइम टू सेल। और जब यहाँ बॉटम लेवल हिट कर रहा है,
तो ये बेचने का टाइम नहीं है भाई, RSI 30 के नीचे है, दिस इज राइट टाइम टू बाय। और वॉचमैन क्या कर रहा है, सेल कर रहा है पैनिक में, और 90% लोग वॉचमैन ही है, मतलब जो पैनिक में ये सेलिंग करते हैं, मैं कहूँगा दिमाग से वॉचमैन है, और अच्छे वाले वॉचमैन भी नहीं है। अगर वॉचमैन अच्छे वाले होते तो सही डिसीजन लेते। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि गोलगप्पे वाला है या टिक्की वाला है, वो क्यों रोते हैं, बिल्कुल पीक लेवल पे खरीद रहे हैं और बॉटम लेवल पे बेच रहे हैं। तो जब सारी दुनिया में शोर मचा हो हर जगह, और आपके घर में सब लोग बोल रहे हो यार ये वाला शेयर तो बड़ा ऊपर चढ़ गया, अब खरीद लो यार, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, कभी मत खरीदना। अगर अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि बहुत जल्दी जब वो शेयर नीचे गिरेगा और फिर पूरी दुनिया में बवाल होगा, रिलायंस ने हमें बर्बाद कर दिया, हमने रिलायंस का शेयर इतने हाई लेवल पे खरीदा था और रिलायंस का शेयर गिरते गिरते इतना नीचे आ गया है, और गिरेगा ये तो, और गिरेगा ये तो, और गिरेगा, जब ये लोग पैनिक हो रहे हैं ना और बेच के भाग रहे हैं, तो वो टाइम है जब आपको, अगर आपने भी गलती से पीक लेवल पे खरीदा है तो आप बॉटम लेवल पे बेचोगे नहीं कभी, और बॉटम लेवल पे पैनिक सेलिंग नहीं करोगे, आप इंतजार करोगे कि वापस दोबारा पीक बनाएगा, तो पीक पे वापस आ जाएगा, तब तब बेच लेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। या पीक और ऊपर चली गई, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, और ऊपर चली गई, लॉन्ग टर्म में तो जाएगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद तो शेयर ने ऊपर जाना ही है इवेंचुअली, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ने भी इंक्रीज होना है, एक्सपेंशन भी होना है कंपनी में, सब कुछ होता ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस बिजनेस विल गो ऑन लाइक दैट। अगर शॉर्ट टर्म भी है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल भी आपका वेल होराइजन है सोचने का, तो इंतजार करो, पीक वापस बनेगी तभी बेचेंगे। बात समझ में आ गई? तो मंत्रा क्या है, क्या याद रखना है, 2 लाइनों में बोलूंगा। फर्स्ट लाइन, बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग। और दूसरी लाइन, बाय व्हेन द RSI इज बिलो 30 एंड सेल व्हेन द RSI इज अबव 70। जिंदगी में मार नहीं खाओगे, और इंडिया की जो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज हैं उन्हीं में खेलोगे तो बिल्कुल मार नहीं खाओगे, 99.99% यू विल बी ऑलवेज सेफ। उसके नीचे वाले कंपनीज में खेलोगे तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, टॉप 50 कंपनीज निफ्टी पे, उनमें आप ये वाला मंत्रा यूज करोगे तो बिल्कुल मार नहीं खाओगे। समझ में आ गई है बात आपको? टाइटन का देख लें एक बार यहाँ पर, तो टाइटन में क्या चल रहा है ये देखो, टाइटन मतलब इंडिया की नंबर 1 गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तनिष्क टाइटन, एंड देन टाइटन ग्लासेस, देन टाइटन वॉचेस, इंडिया की नंबर 1 कंपनी इन ऑल दिस बिजनेस। ये कीड़ा ऊपर 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 जा रहा है, बहुत ही बढ़िया है, और नीचे आ नहीं रहा है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा डिप आता है, या 30 को टच किया हल्का सा, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ 30 पहुँचा नहीं है, 31, 32, 33 की रेंज तक आया, फिर बाउंस हो गया। मतलब ये वो कंपनी है जो 30 के नीचे आसानी से आ नहीं रही, यहाँ आई 30 के नीचे, यहाँ पर आई थी 30 के नीचे। सो 3 साल का चार्ट है ये आपके सामने, मतलब 3 साल में आसानी से ये कंपनी नीचे आती नहीं है यार, यहाँ पर कहीं कहीं 30 के पास आई हुई है, और या 30 का लेवल टच किया है। ये वो लेवल्स थे, ये वो मौके थे जब टाइटन का शेयर खरीदना था। समझ में तो आ गई होगी बात आपको, कि जहाँ यहाँ 30 के लेवल के आसपास टच भी हुआ है ना, या कभी थोड़ा सा नीचे गया है, तो ये वो मौके थे जहाँ पर टाइटन का शेयर खरीदना था, और फिर उसके बाद अगर आपके खरीदने के बाद और नीचे गिरा तो बेचना नहीं था, इंतजार करना था। ये 70 के ऊपर तो बहुत बार जा रहा है, और हाँ अब ये देखो कि यहाँ 70 के ऊपर चल रहा है और इधर शेयर का रेट बढ़ रहा है, अगर आपने इसी लेवल पे बेच दिया, अगर आपने इस लेवल पे सेल कर दिया और बाद में वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ रहा है, आपको बड़ा दुख हो सकता है। तो अगर आपको टाइटन, राकेश झुनझुनवाला, और अगर रेखा झुनझुनवाला को टाइटन पे भरोसा है, रतन टाटा को टाइटन पे भरोसा है, कि हमारे यहाँ तो शादियों के टाइम पे गोल्ड की सेल बढ़ी जाती है, गोल्ड ज्वेलरी की सेल बढ़ जाती है, मम्मियों को गोल्ड चाहिए होता है, चाहे बेटे की शादी हो बेटी की शादी हो, प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी की बढ़ेगी, सेल्स टर्नओवर बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली वेल आल से कंपनी का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होगा, शेयर का रेट भी ऊपर जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ। तो अगर आपको टाइटन पे उतना भरोसा है जितना रेखा झुनझुनवाला को है, तो आप खरीद सकते हो यार, लेकिन कब खरीदो, फिर से बोलूंगा कब खरीदो, जब 30 या 33 है। हाँ, जब लॉकडाउन लगा था टाइटन का शेयर भी 1000 रुपीज पर शेयर पे चला गया था, लॉकडाउन 1 लगा था, मार्च अप्रैल 2020 की बात हो रही है, लेकिन खैर वो वंस इन अ वाइल वाली बात है, कोरोना बार बार थोड़े ना आएगा, और अगर बार बार आएगा तो टेंशन नहीं लेने का यार, अगर दूसरी बार कभी कुछ और आ गया तो रिटेन करो। अगर राकेश झुनझुनवाला रिटेन कर रहा है, इंडिया में शादियां होनी बंद थोड़े ना हो जाएंगी, और गोल्ड ज्वेलरी बिकना बंद थोड़े ना हो जाएगी, और टाइटन का, तनिष्क का तो कोई इस वक्त
आज की तारीख में कंपटीशन है नहीं, मतलब जितने बड़े स्केल की कंपनी तनिष्क है, इतने बड़े स्केल की कंपनी गोल्ड में कोई नहीं है। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बात कर रहे हैं, एक सिटी की बात नहीं कर रहे। सो दैट वे स्पीकिंग आल से, तो जहाँ डिप आया वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो डिप के टाइम पे खरीदना है, और अभी तो पीक्स बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो सर क्या करें, ये तो चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है, खरीदें? बिल्कुल मत खरीदो, चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है, मत खरीदो, इंतजार करो। ये कीड़ा नीचे आना शुरू हो गया टाइटन का भी, और ये 58.36 आ गया अभी। खरीदना हो तो कब खरीदना टाइटन का शेयर? जब RSI 30 के नीचे आ जाए, अभी नहीं खरीदना। सर थोड़ा सा नीचे आया सर, अबे थोड़ा सा आया कि इंतजार नहीं हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा नीचे आएगा तो खरीदेंगे, 30 के नीचे आएगा तो ही खरीदेंगे। सो वेल आई विल से, हम अपने फंडामेंटल्स ख़राब नहीं करेंगे, मतलब सिंपल फंडा है अपना, तो चाहे वो टाइटन हो चाहे वो कोई भी हो, वी आर नॉट स्पॉइलिंग द फंडामेंटल्स। और यहाँ पर मतलब वो डॉट्स वगैरह बनी हुई है, डोंट वरी अबाउट दैट। वेल आई एम नॉट गोइंग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक लास्ट एग्जाम्पल देकर कुछ समझा रहा हूँ आपको। TCS इंडिया की नंबर वन सॉफ्टवेयर कंपनी, और क्या यहाँ पर भी कभी 30 के आसपास आता है? ये देखो ये आया हुआ है। सो अगर वंस अगेन आई जस्ट ड्रॉ द लाइन्स, 70, थर्टी, और ये ब्लू वर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, समझ में आ गई कहानी आपको? तो RSI इज मोर देन 70, प्राइस का जंप देखो कहां पर है, बेचो और निकलो। ये मौका कब था? 19 जनवरी 2000, नहीं इज इट दिसंबर, 19 दिसंबर या 18 19 दिसंबर 2023 की बात हो रही है, ज़्यादा पीछे की बात नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू, यहाँ आ गया। अगर आप होल्ड करना चाहो राकेश झुनझुनवाला की तरह लॉन्ग टर्म, तो करो ना होल्ड, और ये शेयर हो सकता है आने वाले 20 साल में 20 गुना हो जाए। जो आज 3,000 का दिख रहा है आपको, 3,800 का दिख रहा है, हो सकता है आपको 76,000 का शेयर मिले आज से 20 साल के बाद, अगर आप इतना रिटेन कर सकते हो। सो वेल आई से, और अगर नहीं उतना रिटेन नहीं कर सकते, तो जब पीक लेवल मिल रहा है तब बेचो, और फिर उसके बाद फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर 70 टच हुआ, यहाँ बेचो। अब फिर नीचे जाना शुरू हो गया है, अभी 52.26 दिखा रहा है यहाँ पर लेटेस्ट। तो अगर आपने इस पीक लेवल पे सेल कर दिया, और ये देखो पीछे 30 जाता था ना, ये 30 टच करता था, ये भी तो लेवल्स टाइटन के थे ना, ये भी तो लेवल्स टाइटन के ही थे। तो आल से सॉरी, TCS के लेवल थे ना। तो अगर TCS अगर इतना नीचे चलता है, और यहाँ पर 30 वाला जो वेल बॉर्डर लाइन है उस पर भी आता है, तो आने वाले टाइम में 30 वाली बॉर्डर लाइन पे फिर आएगा नीचे। तो जब 30 वाली बॉर्डर लाइन पे आएगा, और 30 वाली बॉर्डर लाइन पे चल रहा है कुछ लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं कि एक ही दिन के लिए टच किया, 30 वाली बॉर्डर लाइन पकड़कर काफ़ी टाइम तक चल रहा है, तो अगर गिरता हुआ दिखे, मार्केट में सारी बातें भी समझ में आ रही हैं कि नहीं अभी TCS का सेंटिमेंट नेगेटिव है, TCS की क्वार्टरली प्रॉफिट कम हो गई है, वो सारी बातें चलती हैं CNBC आवाज़ वगैरह, तो जब दिखेगा कि 30 का कीड़ा चल रहा है और थोड़ा सा लंबा चला गया, और शेयर का रेट काफ़ी काफ़ी नीचे आ चुका है, तब खरीद लेंगे। उसमें क्या है, मतलब जजमेंट है। अब एक चीज़ बोलूँगा स्टॉक मार्केट में, चलो पहले ये भी देख लो, फिर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। एक टग ऑफ वॉर दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोली, ऊपर यहाँ पर TCS लिखा, उन्होंने कहा सर्च फॉर द कंपनी, तो हमने इसमें TCS लिखकर डाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, सर्च द कंपनी नेम। तो हमें जब मार्केट ऑपरेट हो रही होती है तब ये ग्राफ सामने आ जाता है, जब मार्केट बंद हो जाती है तब ग्राफ, ये वाली टेबल नहीं आती है। अब मार्केट चल रही है, मार्केट एक्टिव है, मतलब 9:15 से लेकर और 3:30 PM के बीच में आपको ये टेबल देखने के लिए मिलेगी। अब दो तीन बातें सीखने के लिए, समझने के लिए, इधर लगी हुई है बाय क्वांटिटी, इधर लगी हुई है सेल क्वांटिटी, इधर लगा हुआ है बिड बिड प्राइस। कोई मिस्टर ए है जो कह रहा है कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ TCS के 370 शेयर्स एट द रेट ऑफ 389.95.95, मतलब बदतमीज आदमी 3840 की बिड नहीं लगा रहा, 3840 की बिड नहीं लगा रहा, 3839.95 रुपीज़ पे खरीदना चाहता हूँ। अरे 5 पैसे बढ़ाकर 40 की बिड लगा दे यार, मतलब क्या है कि मैं 3840 देने के लिए तैयार हूँ?
कोई मिस्टर बी है जो कह रहा है मैं 113 शेयर खरीदना चाहता हूँ एट द रेट ऑफ 389.3839.90। कोई मिस्टर सी है जो कह रहा है 27 खरीदना चाहता हूँ एट द रेट 3839.65 पर शेयर। कोई मिस्टर डी है जो कह रहा है मुझे बहुत सारे शेयर चाहिए, 1789 शेयर्स ऑफ TCS चाहिए एट द रेट ऑफ 3839.60। 5 5 पैसे के डिफरेंस पे बिड्स आ रही हैं। कोई मिस्टर ई है जो कह रहा है मुझे 1751 शेयर चाहिए TCS के एट द रेट ऑफ 3839.55। 5 5 पैसे से बिड्स कम होती जा रही हैं। ऐसे ही खेलते हैं लोग ना स्टॉक मार्केट, इसको खेलना कहते हैं। डेली बेसिस पे खेलने वाले लोग 5 5 पैसे पे खेल रहे हैं, और उधर जो बेचने वाले बैठे हैं वो क्या मांग रहे हैं, आस्क प्राइस, मतलब जो बेचने वाला है, जो सेलर है उसका आस्किंग प्राइस क्या है, तो उसकी बात हो रही है। तो कोई है जो कह रहा है मेरे पास 440 शेयर बचे हैं, पड़े हैं, मैं बेचना चाहता हूँ, डिलीवरी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्राइस क्या है 3840। अब आप देखो 5 रुपये, 5 पैसे के डिफरेंस पे ना डील मैच नहीं हो रही, 5 पैसे का फर्क है सिर्फ। बायर कह रहा है मुझे 370 खरीदने हैं, 370 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3839.95। सेलर कह रहा है नहीं, 5 पैसे ऊपर आ जा, 3840 रुपीज़, 3840 रुपीज़ पे मैं अपने 440 शेयर देने के लिए तैयार हूँ। फिर कोई मिस्टर, मान लो कि ये मिस्टर यू है, फिर कोई मिस्टर वी है जो कह रहा है मैं 3840.10 ऊपर रखकर 16 शेयर दे सकता हूँ। कोई मिस्टर डब्ल्यू है जो कह रहा है 3840.20 पे। कौन है, नाम तो किसी को पता नहीं है, सबकी बिड्स सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और स्टॉक मार्केट की आपकी वेबसाइट पे भी आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है 38। और उसके बाद कोई है जो सिर्फ एक शेयर बेचना चाहता है, कोई मिस्टर एक्स है जो एक शेयर बेचना चाहता है, बट प्राइस क्या कोट किया 3840.40, 40 पैसे एक्स्ट्रा। और यहाँ पर मतलब अगर कोई भी अपना प्राइस ना मैच करवाना चाहे, या तो जो बायर्स हैं वो अपना प्राइस 10 पैसे बढ़ा दो यार पर शेयर, इतनी मोटी मोटी डील कर रहे हो आप, मज़े ले रहे हो क्या, 10 पैसे पर शेयर बढ़ा दो। या जो सेलर है अगर वो सीरियसली बेचना चाहता है तो 10 पैसे कम कर दो, नहीं जी हम तो इंतज़ार करेंगे सामने वाले का कि वो नीचे आ जाए। तो वेल आल से जो बायर है वो कह रहा है मैं तो सेलर का इंतज़ार करूंगा कि वो अपनी बिड को रिवाइज़ कर दे, जो उसने अपना सेल ऑर्डर डाला है, रिवाइज़ करना अलाउड होता है, वो तो बायर भी कर सकता है सेलर भी कर सकता है, अपने वही ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में जाकर आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो बायर इंतज़ार में बैठा है कि सेलर जो है अपना प्राइस 10 पैसे 15 पैसे नीचे कर दे और मेरे ऑर्डर के साथ मैच हो जाए तो मैं डील कर लेता हूँ, और सेलर इंतज़ार में बैठा है कि बायर अपना जो बाइंग प्राइस या जो उसका बिड प्राइस है वो 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे 25 पैसे बढ़ा दे पर शेयर। 3839 रुपीज़ देने के लिए तैयार है, 5 पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार नहीं है, 10 पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए, मतलब मजाक है यार, ये मजाक है, वो तैयार नहीं है। तो सेलर जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि बायर अपना प्राइस 10 15 पैसे बढ़ा दे, बायर अपना प्राइस, बायर जो है वो अपना प्राइस होल्ड करके बैठा है, वो इंतज़ार कर रहा है सेलर अपना प्राइस 10 15 पैसे कम कर दे। ये इंतज़ार करेंगे शाम तक 3 बजे तक एक दूसरे का, 3:30 PM से पहले पहले डील तो करना चाह रहे हैं जो डेस्परेट है ना बहुत ज़्यादा डील करने के लिए। पता चलेगा 3:15 पे, 3:20 पे यहाँ से कुछ लोगों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, यहाँ से कुछ लोगों ने अपना प्राइस कम कर दिया, मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मार्केट क्लोज होने से 5 मिनट पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार 15 पैसे ज़्यादा देते हैं खरीदने के लिए। यहाँ पर कुछ पैसे लोग ऐसे हैं जो अपना प्राइस कम कर रहे हैं, 40 पैसे कम कर दिया, 50 पैसे कम कर दिया, कोई बात नहीं यार कम कर देते हैं थोड़ा सा, डील मैच हो जाएगी। और इधर अगर आप देख रहे हो TCS में जो टोटल बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, ये जो क्वांटिटी है 370 शेयर्स प्लस 113, सिर्फ ये जो दिख रहे हैं ये तो चलो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ऐसे बहुत सारी डील्स हैं जो दिख नहीं रही हैं। तो जो टोटल बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है 84,694 बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, सेल क्वांटिटी 1,37,000, मान लो 1,40,000 शेयर्स की सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, जब ये स्क्रीनशॉट मैंने लेकर आपको अब एनोटेशन करके दिखाया है, तो इस मोमेंट पे मार्केट में TCS के शेयर की बिकवाली ज़्यादा हो रही है, सेल ऑर्डर ज़्यादा के लगे हुए हैं, 1,37,000 प्लस शेयर्स के सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, बाय ऑर्डर कम लगे हुए हैं, तो शेयर का रेट नीचे की तरफ जा रहा है, मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। सो वेल दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। और ये एक्टिविटी आपको कब दिखेगी, 9:15 और 3:30 PM के बीच में। एंड देन आई विल से, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बायर्स और सेलर्स के बीच में टग ऑफ वॉर है।
तो रस्सा खींचो वाला काम है, एक तरफ सारे सेलर हैं रस्से में एक तरफ, और रस्से के दूसरी तरफ सारे बायर हैं, खींचतान खींचतान चल रही है। तू मतलब बायर को बोल रहे हैं तू 15 पैसे ऊपर आ जा, 20 पैसे ऊपर आ जा, बायर सेलर को बोल रहा है कि तू 15-20 पैसे नीचे आ जा, मज़े ले रहे हैं एक दूसरे के, एंटरटेनमेंट चल रहा है। और हो सकता है कुछ लोग शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने तक अपना प्राइस ना बायर बढ़ा रहे हैं ना सेलर ने डाउन किया, और वो डील हुई नहीं, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया एट द एंड ऑफ 3:30 PM, 3:30 बजे के बाद 3:35 3:40 पे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा योर ऑर्डर इज कैंसल्ड, क्योंकि कोई मैचिंग ऑर्डर मिला नहीं, खाली पीली मज़े लेकर चले गए। आपको शेयर बेचना ही नहीं था, आपको अपना 15 पैसे 20 पैसे कम नहीं करना था प्राइस, और उधर जो बायर है वो भी खाली पीली मज़े लेकर चला गया, उसको अपना प्राइस बढ़ाना नहीं था, 15-20 पैसे प्राइस बढ़ा देता या 40 पैसे तो डील हो जाती। तो मतलब क्या कर रहे हो यार, अब खाली पीली के मज़े लेकर जा रहे हो, दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर। और ऐसा बहुत दुनिया करती है, मतलब पैसा एक खर्च नहीं हो रहा और ब्रोकर को कोई कमीशन नहीं देनी, मज़े ले रहे हैं, देखते हैं सामने वाला नीचे आता है, आया नीचे आया, हर 15 मिनट के बाद स्क्रीन पे जाकर लगे हुए हैं, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद, दिमाग खराब कर रखा है लोगों ने, टाइम मतलब वेला टाइम बोलते हैं इसको, वेला टाइम है लोगों के पास, बैठकर स्क्रीन घूरते रहते हैं ऐसे, मतलब बदतमीज लोग हैं, क्या बोलूँ, मतलब दे आर द ट्रेडर्स, दे आर द ट्रेडर्स। हम तो क्वांटिटी उठाना चाहते हैं, हमें प्राइस थोड़ा सा 15 पैसे एडजस्ट कर दो बस। तो होता है ये मार्केट में। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे दो, यहाँ पर तो सिर्फ RSI चेक नहीं करना होता, ये आपको बताता है अगर शाम को 3:25 पे सिचुएशन ये है, 15:25 बोलूं, अगर शाम को 15 बज मतलब 15:25 या इवनिंग 3:25 PM बोल देता हूँ, मार्केट क्लोज होने वाली है 5 मिनट पहले, अगर ये सिचुएशन है मार्केट क्लोज होने से 5 मिनट पहले, आपको क्या लगता है अगले दिन मार्केट में बाइंग ज़्यादा होगी TCS की या सेलिंग ज़्यादा होगी? इस डिफरेंस को देखकर तो ये लग रहा है कि नेक्स्ट डे भी अगले दिन भी TCS में सेलिंग ज़्यादा होगी बाइंग कम होगी, अनलेस कि शाम को रात को रतन टाटा TCS के बिजनेस को लेकर कोई बहुत बढ़िया ग्रेट न्यूज़ ना दें, मतलब अगर रात को कोई बहुत ही बढ़िया ग्रेट न्यूज़ आ जाती है TCS को लेकर और TCS के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बढ़िया न्यूज़ बोल देते हैं शाम को 8 बजे या रात को 10 बजे, और उसका इफेक्ट अगले दिन सुबह मॉर्निंग में आ जाता है TCS के शेयर के ऊपर, तो और एकदम से शेयर बाउंस हो जाता है और उसमें बाइंग एकदम से बढ़ जाती है, सेलिंग कम हो जाती है, तो अगले दिन फिगर उल्टी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद, शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गई, उसके बाद TCS को लेकर कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है, और यहाँ पर क्या पता चल रहा है बाइंग कम लगी हुई है सेलिंग ज़्यादा, तो अगले दिन मानकर चलो 99.99% चांस है कि अगले दिन भी सेम होने वाला है, बाइंग कम होगी सेलिंग ज़्यादा होगी और शेयर का रेट नीचे ही जा रहा होगा, अगले दिन एकदम कोई जादू मंतर नहीं होगा। और ये भी सच है कई बार शेयर का रेट ना धड़ाम से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, 10% फॉल आता है शेयर में, लेकिन एकदम से बाउंस बैक भी नहीं आता, फिर वो अगले दिन शेयर में थोड़ा सा और फॉल आता है, फिर फॉल की जो नीचे गिरते हुए जो शेयर है ना उसकी जो गिरने की स्पीड है दिन ब दिन कम होती जाती है, पहले दिन 10% गिरा, दूसरे दिन 5% गिरा, तीसरे दिन 2% गिरा, चौथे दिन 1% गिरा, फिर 0.5% 0.2% गिरा, छठे दिन पाँचवें दिन छठे दिन, फिर उसके बाद जब एक लगता है कि हाँ अब स्पीड कम हो गई है, और अगर तब तक RSI भी 30 तक पहुंच गया है साइमल्टेनियसली, तो बाउंस बैक का चांस बहुत बढ़िया है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ देखने पड़ते हैं, एक फैक्टर RSI बताया मैंने, दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया टोटल बाइंग टोटल सेलिंग क्वांटिटी कितनी लगी हुई है, और दोनों में जो डिफरेंस है स्प्रेड कितना है, इसको क्या बोलते हैं स्प्रेड कितना है। तो ये स्प्रेड इज फैक्टर नंबर टू, पहला फैक्टर मैंने आपको बताया RSI, दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया स्प्रेड, देखो स्प्रेड में इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, सेलिंग कितनी ज्यादा लगी हुई है और बाइंग कंपैरेटिवली कितनी कम है, और दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो अगले दिन भी सेलिंग रहेगी, और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर बाइंग बहुत ज्यादा लगी हुई है सेलिंग कम है तो फिर उस केस में अगले दिन भी बाइंग का प्रेशर रहेगा और शेयर का रेट ऊपर भागेगा। तो ये देखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और दोनों अगर सेम सेम है, बाइंग ऑर्डर बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी बिल्कुल सेम सेम है आसपास है, तो मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है शेयर को ऊपर दौड़ाने की या नीचे ले जाने की, स्टेबल रहने वाला है, अगले दिन भी कहीं ना कहीं आसपास ही रहेगा। तो ये कहानी है, और यहाँ पर वो TCS आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आ ही रहा है, दिस इज़ विजिबल कि नीचे जा रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और RSI भी नीचे जा रहा है। तो आपने RSI भी देखा, TCS का 52.26 जा चुका है, आपने देखा स्प्रेड में भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है नंबर 2, और नंबर 3 प्राइस फैक्टर भी दिख रहा है, तो तीनों फैक्टर कोरिलेट हो रहे हैं। तीन फैक्टर कौन से, प्राइस फैक्टर भी नीचे जा रहा है, सेलिंग क्वांटिटी भी ज़्यादा है बाइंग क्वांटिटी कम है,
और RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है, 70 से नीचे आते आते 52 आ गया। तो मतलब इसका मतलब ये दिख रहा है कि अभी TCS का शेयर कुछ दिन और नीचे गिरना चाहिए, फिर एक बार जब वो कीड़ा नीचे आ जाएगा ना RSI का 30 के आसपास, और फिर दिखने लगेगा कि बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी भी आसपास सेम सेम लगी हुई है, या हो सकता है 30 तक पहुंचने से पहले ही वो चमत्कार हो जाए कोई और कोई गुड न्यूज़ आ जाए, तो वहां से बाउंस बैक का चांस बनेगा। तो कान आंखें सब खुले रखने पड़ते हैं कि क्या चल रहा है। सो फाइनली वी आर सेइंग, वो आपको समझ में आ गया बिड क्या है। जो लोग खरीद रहे हैं, बायर्स हैं, वो बिड प्राइस दे रहे हैं, जो सेलर हैं वो आस्क प्राइस दे रहे हैं। तो बिड इज रेफरिंग टू द हायर प्राइसेस। अच्छा, बिड में हमेशा आपको दिखेगा कि जो बायर्स हैं वो प्राइस कम दे रहे होते हैं, या जो सेलर हैं वो, तो ये आपको दिख रहा है सेलर हमेशा ज़्यादा प्राइस कोट कर रहा होता है, आस्क प्राइस हमेशा हायर साइड पे, आपने देख ही लिया अपने स्क्रीन के ऊपर, हमेशा हायर साइड पे दिखते हैं, और जो बिड प्राइस है वो हमेशा लोअर दिखते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, अभी आपने देखा ही है। जहाँ जब मैच हो जाते हैं तो डील हो जाती है, बड़ा फाइन 5 पैसे 10 पैसे की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। 3,980 रुपये का शेयर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 पैसे नीचे आ जा, 5 पैसे ऊपर आ जा, डील कर लेते हैं, तो अपनी डील को मॉडिफाई कर ले तो मैच हो जाएगा। सो समथिंग लाइक दैट। और डिफरेंस जो आ रहा है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो स्प्रेड है, आई विल नॉट से क्वांटिटी के बीच में, बट आई विल से जो प्राइस के बीच में डिफरेंस आ रहा है वही स्प्रेड ओवर है। अब सुनो जरा एक ध्यान से, ग्रेट लेसन टू बिकम वेल्दी इन लाइफ। अब हम उन तीन चीज़ें हमने कोरिलेट करके देखना सीख लिया। कौन सी 3 चीज़ें कोरिलेट कर रहे हैं? नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 RSI, एंड नंबर 3 NSE के ऊपर हमने जाकर क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ सेल क्वांटिटी एंड बाय क्वांटिटी। क्या सेल क्वांटिटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डबल ऑफ बाय क्वांटिटी, तो अगले दिन भी नीचे रहने वाला है, और क्या, या फिर वाइसा वर्सा, बाय क्वांटिटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वेल सेल क्वांटिटी से तो होपफुली अगले दिन भी ऊपर ही रहने वाला है, अभी बाइंग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। शाम को 3:25 के आसपास अंदाज़ा हो जाता है कि कल क्या होगा, तो उस वक्त जाकर जिन शेयर्स को आप फॉलो करते हो देख लेना चाहिए एक बार, तो आपको अगले दिन का सुबह का अंदाज़ा पहले ही लग जाएगा। और वेल आई से तो सब कुछ कोरिलेट करो, सारे फैक्टर्स कोरिलेट, दीज 3 फैक्टर्स। हाँ, ये अभी टेक्निकल बातें हो रही हैं, फंडामेंटल बातें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ अभी, वेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अभी या आने वाली क्लासेस में। तो ग्रेट लेसन टू बिकम वेल्दी इन लाइफ, और कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। और वॉरेन बफेट के बारे में अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो बोलते हैं गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट इन अमेरिका। थोड़ा सा आपको दिखाई दूँ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ क्या है, गूगल पे अगर सर्च करेंगे, वॉरेन बफेट नेटवर्थ, तो डॉलर्स में बात कर रहे हैं 12,000 करोड़ डॉलर्स। आप इस 12,000 करोड़ डॉलर्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल वर्ड्स में आप 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 नहीं बोलूंगा, 83 नहीं बोलूंगा, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी 9,60,000 करोड़ इन इंडियन करेंसी। 9,60,000 करोड़ या 10 लाख करोड़ हो गया, सो रुपीज़ 10 लाख करोड़ बंदे की नेटवर्थ है। एंड द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द होल वर्ल्ड, और जो दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी हैं उनमें नाम आता है। 14 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बहुत छोटी सी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से कहानी शुरू हुई, और अब बढ़ते 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 वेल दिस इज ही सेज कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, फाइनेंशियल मोक्ष, जिंदगी में कोई अब टेंशन नहीं है ना पैसे की। बट एट द सेम टाइम ही बिलीव्स डोंट वेल वेस्ट द मनी, और कहते हैं कि मैं अपनी जायदाद का, जो इतनी बड़ी नेटवर्थ है, उसका सिर्फ 1% अपने बच्चों को दूंगा, बाकी 99% मैं डोनेशन करके जाऊंगा अलग अलग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में, और जो पूरे समाज के काम आएगा, क्योंकि बच्चों को अगर 1% भी दूंगा इसका तो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत है, और वो थोड़ा ना कम, उन्होंने थोड़ा ना कमाया, मैंने कमाया। और बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं यार, बच्चे छोटे थोड़े ना, बच्चे मतलब बेटे बहू बहुत बड़े बड़े हैं। वॉरेन बफेट वॉज बॉर्न ऑन 30th August 1930 एंड ही इज़ राइट नाउ 93 ईयर्स ऑफ एज एंड लिविंग हैप्पीली इन अमेरिका। सो वेल आई से अब उनके बारे में डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं सारी। सो दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द मैन, द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट
एंड ही इज चेयरपर्सन, ये उनकी कंपनी का नाम है, अमेरिका की ये इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये कहते हैं हमने इंश्योरेंस बिजनेस शुरू किया, सारी दुनिया से इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और पॉलिसी का टेन्योर होता है 10 साल 20 साल, और वो पैसा हमारे पास 10 20 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, फिर उस पैसे को हम स्टॉक मार्केट में लगा लगा कर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, और अपने जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं मैच्योरिटी के टाइम पर उनकी पॉलिसी रीपे कर देते हैं, उनका पैसा रिडीम कर देते हैं, वेल विद वट एवर लिटल बिट ऑफ प्रॉफिट बोनस, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम जो उनके पैसे से कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, यार इंश्योरेंस का धंधा बहुत बढ़िया है, और लोगों से प्रीमियम ले लो और आप प्रीमियम लेकर अपना इन्वेस्ट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, वैल्यूएशन बढ़ती जाती है कंपनी की। तो इनकी शेयर, इनका शेयर एप्पल कंपनी के शेयर से भी ज़्यादा महंगा है, माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा महंगा है, गूगल पे सर्च करना, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में दिखाई दूंगा आपको, आज नहीं दिखा रहा। सो वेल आई विल से एंड दिस इज 2024 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स अगर हम पूछेंगे कहीं, अच्छा इनकी खास बात क्या है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे पैसा कमाया है स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बता रखा है, अगर आप सीखना चाहो तो इनकी वेबसाइट पे जाकर सीख सकते हो, पेशेंस चाहिए। एंड ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला भी इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। तो द मैन इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ इन्वेस्टर। तो ये वॉरेन बफेट जो है वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरी एनुअल इनकम 19% पर एनम मल्टीप्लाई होती है कंपाउंडेबल, और मैं उसमें खुश हूँ, और उसी से मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लिया। तो हर साल की एनुअल इनकम में कितना ऐड ऑन होता जाता है, 90% रेट ऑफ रिटर्न एनुअली कंपाउंडेबल एनुअली। तो वो कहते हैं उतना बहुत है ज़िंदगी में वेल सुपर रिच होने के लिए। सो इनका रूल नंबर 1 है बाय ओनली द ग्रेट कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज खरीदनी नहीं है, पैनी स्टॉक खरीदना नहीं है, बाय ओनली द ग्रेट कंपनीज, इंडिया की नंबर 1 कंपनी के शेयर खरीदो, नंबर 2 कंपनी के शेयर खरीदो, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के शेयर खरीदो, उसके नीचे क्यों टच करना है, लेकिन तब खरीदो जब रीजनेबल प्राइस पे हो, जब RSI 30 से नीचे हो, रीजनेबल प्राइस पे खरीदो एंड नॉट एट द हाई प्राइस। खरीदनी ग्रेट कंपनी है, रिलायंस के शेयर खरीदो, TCS के खरीदो, या फिर लेट अस से इंफोसिस के खरीदो, HDFC बैंक के खरीदो, इन कंपनीज के शेयर्स खरीदो, रीजनेबल प्राइस पे खरीदो व्हेन RSI इज बिलो 30 तब खरीदो, और उसके अलावा और भी प्लस अदर फैक्टर्स भी चेक कर लो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या आने वाली है कंपनी में वो सब देख लो, फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। फिर रूल नंबर 2 है 100% सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, अपनी तरफ से कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। तो जब आप बेस्ट कंपनीज खरीद रहे हो तो बेस्ट ही है, देखो 100% सेफ्टी कुछ नहीं होती है, नियरली 100% हो सकती है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो वाइंडिंग अप में चली गई तो फिर ख़त्म हो गई ना कहानी, नियरली 100% तो जा सकते हैं लेकिन 100% नहीं जा सकते भाई। तो मे बी कि आपका पैसा 95% सेफ है, इन एनी केस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा बोला जाता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करवा दो, HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंट हो गया, HDFC बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, आपने 70-75 लाख 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, भारत सरकार कहती है 5 लाख की गारंटी हम देते हैं, 5 लाख रुपये दे देंगे आपके, बस बाकी भूल जाओ आप, वो भी तो होता है, नहीं सर इंसॉल्वेंट कभी होंगे नहीं, तो ठीक है फिर अगर आपको इतना भरोसा है तो SBI में 1 लाख रुपये की FD करवाने के बजाय SBI का शेयर क्यों नहीं खरीदते, SBI का शेयर खरीद लो। अगर 1 साल की FD करवा के आपको एनुअली मिलता है 7% पर एनम, और अगर आपको शेयर खरीद के मिल जाता है 20% पर एनम ग्रोथ इन द शेयर प्राइस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो SBI का शेयर खरीदो इन दैट केस, लेकिन कब खरीदो, जब RSI 30 के नीचे है। इंडिया का नंबर 1 PSU बैंक है, इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में नाम आ रहा है, टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज में रहता है, तो ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, तो SBI का शेयर खरीदो, लेकिन कब, जब RSI 30 के नीचे हो। तो SBI में फिक्स डिपॉजिट क्यों डालना, HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्यों डालना, HDFC बैंक के शेयर खरीदो 1 लाख रुपए के। बात समझ में आई है, पैसा कैसे, पापा को समझाओ कि पापा ये क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का, इससे बेटर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के HDFC बैंक के शेयर खरीदते हैं, उन्हीं बैंक्स में ही लगाना है ना, तो शेयर खरीदो ना उनके, और शेयर खरीदो और डीमैट अकाउंट में रखो, और एनुअल ग्रोथ 20% आ रही है पैसे में,
25% आ रही है तो वो एंजॉय करो। देन आई विल से नहीं सर उसमें रिस्क है। उसमें कैसे रिस्क हो गया? अगर बैंक ने इंसॉल्वेंट ही होना है तो एफडी का पैसा भी गया और जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो भी गया, लेकिन शेयर्स में लगाओगे ग्रोथ ज़्यादा है। और ये बात सच है कि शेयर्स में लगाओगे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड, दैट इज़ हेयर। तो ठीक है 100% सेफ्टी नहीं हो रही है, 95% सेफ्टी हो रही है, लेकिन वॉरेन बफेट के पास तो 100% सेफ्टी वाले फार्मूलाज भी हैं। मैं भी बताऊंगा, आज वाले सेशन में नहीं आने वाले सेशन में बताऊंगा आपको, आई विल बी टेलिंग दैट। तो 100% सेफ्टी ऑफ योर इन्वेस्टेड कैपिटल। देन रूल नंबर 3, बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग। तो ये मेरा बताया हुआ रूल नहीं है, द गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट, भगवान ने खुद बताया, स्टॉक मार्केट के भगवान ने ये रूल बनाया हुआ है कि यही रूल फॉलो करना है जिंदगी में। बाय वेन एवरीबडी इज सेलिंग, सेल वेन एवरीबडी इज बाइंग। तो ये क्लियर हो गया ना? RSI देखो, RSI देखो कहाँ है, अबव 70 है। तो क्या करना है? ओवरबॉट जोन में है, सेलिंग करनी है, और बिलो 30 है तो ओवरसोल्ड जोन में है, बाइंग करनी है। तो ये देखो तभी लगाओ पैसा। एंड देन रूल नंबर 4, डोंट सेल द शेयर्स ऑफ द ग्रेट कंपनीज इन जनरल। वॉरेन बफेट तो कहते हैं बेचना नहीं है ना यार, राकेश झुनझुन वाला फार्मूला है ये, तो मैं बोल रहा हूँ चलो बेचो, और बोला तो उन्होंने भी है बाय व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग और सेल व्हेन एवरीबडी इज बाइंग, लेकिन वो कहते हैं एक मंत्र और कर लो ना याद, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही है ना कंपनी पे कि शेयर का रेट आज गिर भी रहा है, 30 के नीचे चला भी गया है, लेकिन आप में पेशेंस है और आप में, आपको फैमिली में पैसे की दिक्कत नहीं है, फैमिली में परेशानी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट डाली है उसको आप लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल 30 साल होल्ड कर सकते हो, तो कर लो ना होल्ड। तो जो बजाज फाइनेंस में चमत्कार हुआ या बजाज फिनसर्व में, वही चमत्कार TCS में भी अभी आगे होना बाकी है। अभी तो दुनिया बदलनी है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की दुनिया, रोबोटिक्स की दुनिया में कुछ और स्केल आना है। TCS आएगा ना इस सारे बिजनेस में, आएगा TCS अल्टीमेटली, तो टाटा ग्रुप कंपनीज आएंगी और वो फिर खूब पैसा कमाएंगी ताबड़तोड़, और शेयर के रेट भी ऊपर जाएंगे। सो डोंट सेल द शेयर्स ऑफ द ग्रेट कंपनीज बिकॉज यू द इन्वेस्टर शैल बिकम लॉन्ग टर्म पार्टनर और ओनर इन द कंपनी। तो इनकी तो आइडियोलॉजी बड़ी सिंपल है कि अगर अगर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मैंने रिलायंस के 10% शेयर्स खरीदे हैं, तो वो 10% शेयर्स खरीद कर या 9% शेयर्स खरीदे हैं, खरीद कर मैं अब बेचूंगा नहीं कभी भी रिलायंस, मरते दम तक रिलायंस के शेयर नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि अब मैं रिलायंस का वो शेयर होल्डर नहीं हूँ कि आज खरीदे बेचे, एक साल बाद बेचे, दो साल बाद बेचे। मैं अपने आप को रिलायंस का 9% ओनर मानता हूँ। अगर मुकेश अंबानी एंड फैमिली रिलायंस में 48% ओनर है, 49% या 50% ओनर है, या 51-52% ओनर है, जो भी है उनका, अगर मुकेश अंबानी एंड फैमिली रिलायंस में 50% ओनर है, तो मैं भी रिलायंस का 9% ओनर हूँ। मैं ये क्यों बोलूँगी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हूँ और मैं तो बस खरीदूंगा और लॉन्ग टर्म भी खरीद के बेच दूंगा, ऐसा क्यों भाई? मैं तो मरते दम तक बेचूंगा ही नहीं। और डिविडेंड इनकम आ रही है, अगर मुकेश अंबानी एंड फैमिली को डिविडेंड इनकम आ रही है, उससे उनका घर बढ़िया चल रहा है, वो छोटा सा घर बनाया है उन्होंने एंटिला 27 फ्लोर्स विद हेलीपैड ऑन द टॉप एंड लग्जरी कार्स इन द टॉप 2-3 फ्लोर्स, 500-600 मेड रखी हैं, 2 लाख रुपए पर मेड सैलरी देते हैं, खाना बनाने वाली मेड की सैलरी है ₹2 लाख पर मंथ, या ड्राइवर जो है मुकेश अंबानी का उसकी ड्राइवर की सैलरी ₹2 लाख पर मंथ। अच्छा सर, अब ये मत सोचना कि हम ड्राइवर बन जाते हैं, मेड बन जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनो, इन्वेस्टर बनो, पैसा कमाओ और लगाओ, हाँ, और बढ़िया से कमाओ। तो वो कह रहे हैं वॉरेन बफेट कह रहे हैं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं कंपनी का, मैं अपने आप को वो शेयर होल्डर मानता नहीं हूँ, मैं तो मानता हूँ मैं कंपनी का ओनर ही हूँ, एंड आई हैव 9% ओनरशिप ऑफ द कंपनी और 10% ओनरशिप ऑफ द कंपनी। प्रमोटर के पास 50% होगा या किसी प्रमोटर के पास 60% होगा, 70% होगा, जैसे हम टाइटन की बात करते हैं तो अगर रतन टाटा कहते हैं मेरे पास टाइटन का 75% है और राकेश झुनझुन वाला कहते हैं मेरे पास टाइटन का 18% है, हो गया, और वो कह रहे हैं कि आई एम, राकेश झुनझुन वाला या रेखा झुनझुन वाला कह रही है आई एम 18% ओनर ऑफ टाइटन, आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट शेयर होल्डर सिंपली, मैं तो अपने आप को प्रमोटर से कम थोड़े ना मानती हूँ। एक प्रमोटर है जिसके पास 75% है, एक मैं हूँ जिसके पास 18% है, बाकी सब चिल्लड़ है जिनके पास थोड़ा बहुत है, आते रहते हैं जाते रहते हैं बेचते रहते हैं, हम तो बेचने वाले नहीं हैं। तो हम अपने आप को शेयर होल्डर ना बोलकर हम अपने आप को ओनर क्यों ना बोलें कंपनी का, दैट वी आर 18%, आई हैव 18% ओनरशिप ऑफ टाइटन, तो बोलने का तरीका है। और सिर्फ बोलना नहीं है, अंदर से फील करना है इस बात को, तो एक लेवल आगे जाकर ओनरशिप को फील करना है, दैट आई एम द ओनर ऑफ टाइटन, आई एम द 18% ओनर ऑफ टाइटन, समझ में आ रही है बात? और ये चारों रूल में से कोई एक लगाना है या चारों एक साथ लगाने हैं? तो वॉरेन बफेट कहते हैं चारों एक साथ लगाने हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3
एंड रूल नंबर 4, चारों एक साथ लगाने हैं। बस अब यहां पर एक एक्सट्रीम आपको बता रहा हूं, ऐसा भी होता है कि इंडिया की टॉप कंपनीज जो हैं वो वाइंडिंग अप में चली जाती है अपने अपने सेक्टर में। हाँ, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई टॉप लेवल पे कंपनी थी, वो बंद हो गई, खत्म ही हो गई वो कंपनी, आज उसका नाम कोई नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूँ, आज सब लोग जानते हैं मारुति सुजुकी है, सब लोग जानते हैं वेल टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एंड बजाज है, बजाज ऑटो एंड सो ऑन। एक ज़माना था, आज से पीछे मुड़कर देखें 30-40 साल पहले, तो उस वक्त इंडिया की नंबर वन कार हुआ करती थी एम्बेसडर कार। एम्बेसडर कार जो कंपनी वो कार बनाती थी, हिंदुस्तान मोटर्स, वो इंडिया की नंबर वन वेल कंपनी थी, वेल या कहना चाहिए इंडिया की टॉप कंपनीज में थी, मतलब वेल ऑटोमोबाइल सेक्टर की नंबर वन कंपनी थी, और वैसे इंडिया की टॉप कंपनीज में थी, टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज में थी, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ एम्बेसडर कार। और पुराने ज़माने की कोई मूवी देखोगे तो सफ़ेद रंग की गाड़ी, सफ़ेद रंग की एम्बेसडर, आगे भी डिक्की पीछे भी डिक्की, बोनट जैसी दिखती थी डिक्की, हाथी जैसी गाड़ी, सॉलिड लोहे की बनी हुई और बहुत बढ़िया इंजन लगा हुआ, तो सारे नेता लोग उसी में चलते थे कि बहुत सॉलिड कार है और खुली खुली डुली कार है अंदर अंदर। तो थी वो कभी किसी ज़माने की नंबर वन, वाइंडिंग में चली गई, ख़त्म हो गई। ऐसे और एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। तो भाई रिस्क तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क है तभी तो इश्क है। देखो, अगर जीरो रिस्क होगा ना, अगर जीरो रिस्क है तो मतलब फिर तो मैं कहूँगा जीरो रिस्क कहाँ पर है, आप मंदिर चले जाओ और मंदिर जाकर भगवान जी के सामने बैठो और वहाँ जाकर भगवान जी का नाम जपो, तो उसमें जीरो रिस्क है कि कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होना है, वहाँ जाकर प्रॉफिट होगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, वट एवर हैपन्स, वहाँ पर लॉस तो नहीं होगा ना जाप जपने का, मतलब अगर आप नाम जप रहे हो तो उसका लॉस तो नहीं हो सकता। तो अगर आप दिल से अच्छे से गहराई से जाप जप अपना कर रहे हो तो या तो उसका प्रॉफिट होगा, आपको दिल की शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी जिसको बोलते हैं, सोल में पीस का एहसास होगा, दैट यू विल बी हैविंग सम बेनिफिट ऑफ दैट, और दिमाग में भी पीस मिलेगी आपको, और हो सकता है कुछ ना भी मिले, डिस्टर्ब गए थे डिस्टर्ब ही आ गए क्योंकि ढंग से जाप किया नहीं, बट लॉस तो कुछ नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मंदिर है जहाँ पर हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, बट आई विल से व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट, रिस्क तो है, रिस्क फैक्टर तो है। तो बाकी अब फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आने वाली क्लासेस में बात करूंगा, जैसे हम किसी स्टॉक, अभी हल्का सा झलक दिखा रहा हूँ आपको, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी करते हैं बिफोर बाइंग द स्टॉक। तो इस वन में, वन ए इज कंपनी का हम पीई रेशियो चेक करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, और फिर इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन भी करते हैं, सेक्टोरल पीई रेशियो चेक करते हैं। एक होता है जैसे एसीसी सीमेंट कंपनी का आपने प्राइस अर्निंग रेशियो चेक किया, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, और एक होता है आपने पूरी सीमेंट इंडस्ट्री का चेक कर लिया, आपने पूरी सीमेंट इंडस्ट्री का चेक कर लिया और फिर देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सा वाला हायर है, और उसका एनालिसिस कैसे होता है वो आज नहीं बताऊंगा, बताऊंगा आने वाले टाइम में। बैंकिंग कंपनीज में हम देखते हैं प्राइस टू द बुक वैल्यू रेशियो, बुक वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, चाहे वो HDFC बैंक हो या कोई भी बैंक हो, और उसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उसकी PBV रेशियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बातें करेंगे इसके बारे में। कंपनी की पोजीशन, जिस कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हो क्या वो अपने सेक्टर की टॉप 2 टॉप 3 कंपनीज में आती है, रिलायंस, ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टॉप 3 कंपनीज इन द ऑयल सेक्टर इन इंडिया। तो आप अगर रिलायंस को टच कर रहे हो तो वो नंबर 1 कंपनी है, नंबर 2 पे ONGC या गेल है, तो वो देख लो आप कि आप कौन सी वाली कंपनी के शेयर उठा रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर टू विच द कंपनी बिलोंग्स, एंड इज इट नंबर 1 कंपनी ऑफ इट्स सेक्टर और नॉट, इंडस्ट्री पोजिशन क्या है। सॉफ्टवेयर कंपनी में TCS के शेयर उठा रहे हो तो नंबर 1 कंपनी है, इन्फोसिस के उठा रहे हो नंबर 2 कंपनी है, विप्रो के उठा रहे हो नंबर 3 है, तो नंबर 1 में उठा रहे हो नंबर 1 कंपनी के शेयर, तो और वो जब RSI 30 के नीचे है तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, नंबर 3 कंपनी के शेयर उठा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक पोजिशन है क्या कंपनी की अपने सेक्टर में, जैसे अगर हम बात करें IRCTC, इंडियन इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड दिस कंपनी इज हैविंग द मोनोपोली इन द रेल बिजनेस इन इंडिया टिल नाउ। आने वाले टाइम में अडानी अंबानी शुरू करते हैं तो वो एक अलग बात है, मतलब शुरू कर चुके हैं लेकिन उनका बढ़ जाए, इंडियन रेलवेज का कम हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो IRCTC लिमिटेड इज हैविंग मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन पोजिशन इन रेलवे सेक्टर। तो IRCTC का तो थोड़ा सा भाड़ा बढ़ाया कंपनी की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एकदम से फूल गया, हाँ, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, शेयर का रेट बढ़ गया मार्केट में, तो कंपनी है तो भाई बढ़िया वाला, मतलब बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है IRCTC में। हाँ, लॉकडाउन लगा था, सारी ट्रेनें बंद हो गई थी तो लॉस हो रहा था लॉकडाउन में, कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे लाखों एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं और ट्रेन कोई चल नहीं रही, तो उस वक्त लॉसेज में थी कंपनी, लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ तो ट्रेन ने अपने फेयर बढ़ा दिया IRCTC ने,
चाहे आप AC 2 टायर में ट्रैवल करो या AC 3 टायर, या आपको पता होगा, या AC 1 टायर में आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हो, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC, आपको मालूम होगा सारे प्राइसेस बढ़ा दिए गए, फेयर बढ़ा दिए गए, और भारत की जनता त्राही माम कर रही है, लेकिन IRCTC बहुत मोटा प्रॉफिट कमा रही है। और मैंने शेयर खरीद रखे हैं, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि IRCTC का शेयर का रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी रेलवे फेयर बढ़ा रही है, इधर कंपनी की पीनल अकाउंट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, साथ साथ शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है। मोट कंपनीज जिनको मतलब पब्लिक दीवानी है और जिनके कंपटीशन में कोई नहीं है, एनफील्ड बुलेट आइशर का शेयर भागता जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, बुलेट के कंपटीशन में, या पंजाबी लोग बोलते हैं बुल्ट, और कोई धक 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 वाली बाइक बनाता नहीं है इतनी बढ़िया, तो दूसरी कंपनीज की बाइक्स आती है, लेकिन जिसको बुल्ट खरीदनी है वो बुल्ट खरीदता है, वो नहीं खरीदता। पंजाबी से पूछो, पंजाबी के दिल में क्या चल रहा है। तो पंजाबी को ऑप्शन दोगे कि हीरो की बाइक खरीदनी है या बजाज की खरीदनी है या बुल्ट खरीदनी है, तो पंजाबी कहेगा बुल्ट खरीदनी है। जिसको लद्दाख लद्दाख में बाइक चलानी है वो भी कहेगा बुल्ट चाहिए लेह लद्दाख जाने के लिए। तो बुल्ट को ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग दीवाने हैं, भागे आते हैं, धक 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 वाली फीलिंग चाहिए, वो फट फट वाली फीलिंग नहीं चाहिए। देन ITC विल्स सिगरेट बनाती है, गॉडफ्रे फिलिप्स मालबोरो सिगरेट बनाती है, जिसको तलब लगी है वो पिएगा यार, वो सिगरेट खरीदेगा भी पिएगा भी, और सिगरेट बनाने वाली कंपनी का शेयर का रेट ऊपर 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 भागता चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में नीचे जाएगा नहीं, कॉम्पिटिशन कोई है नहीं इनका। और भारत सरकार ने आज मतलब अब तो प्रोहिबिशन लगा दिया है कि अब इंडिया में किसी भी कंपनी को सिगरेट या टोबैको बिजनेस का लाइसेंस नहीं देंगे, जिनको पहले दे चुके उनको पहले दे चुके। अब इनके तो कंपटीशन में कोई नई कंपनी भी नहीं आएगी, जो लोग पहले से सिगरेट का बिजनेस कर रहे हैं, टोबैको का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मतलब बल्ले बल्ले है। भारत सरकार की न्यू पॉलिसी कहती है किसी को भी अब इंडिया में, अंबानी को भी नहीं, अडानी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, सिगरेट का या टोबैको का बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो जिनको पहले से मिला हुआ है ITC को, गॉडफ्रे को, बना रहे हैं विल सिगरेट, बेच रहे हैं, और जिसको पीना है उसको पीना, चाहे उसको आप कितनी भी डरावनी पिक्चर दिखा दो, आप जिसको पीनी है सिगरेट वो पिएगा, वो धुआं छोड़ेगा, और वट एवर रीज़न। तो मोट मोट कंपनी है, शेयर का रेट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, खरीद लो, सिगरेट मत खरीदो, शेयर खरीदो, शेयर खरीदो और सो जाओ, 10 साल 15 साल बाद ऊपर ही मिलेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड द कंपनी इज मेकिंग द मैकडाउल, बैक पाइपर, स्मन ऑफ वोट का, तो कंपनी दारू बनाती है और दारू तो बिकती है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट बिक रही है, तो लोग खुशी में भी दारू पी रहे हैं, शादी है तो कारों में लोगों ने स्टॉक, कार के अंदर डिक्की में स्टॉक रखा हुआ है, शादियों में जा रहे हैं, या वैसे भी कहीं अच्छी कहीं कोई पार्टी वार्टी है वहां पर मिल रही है तो बढ़िया है, नहीं मिल रही है तो अपना स्टॉक खुद लेकर जा रहे हैं साथ में। अच्छा, कोई दुखी है तो दुख में पी रहा है, भाई बहुत दुखी हूँ इसलिए पी रहा हूँ, और जो ना दुखी है और ना खुश है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई खुशी की खबर है, ना कोई दुख की खबर है, बस जिंदगी बोरिंग बोरिंग चल रही है, तो थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए इसलिए पी रहा हूँ। मैं नहीं पीता, मैं तो बॉर्नविटा पीता हूँ, सरस्वती माँ जानती हैं यार, मैं बिल्कुल नहीं पीता, तो मेरे लिए तो वो क्रॉस लगा हुआ है बिल्कुल। बट नाउ द पॉइंट इज कि पीने वाले तो पीते हैं और विदाउट एडवर्टाइजमेंट पीते हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए जाएंगे तो भी पी रहे हैं, और फ्राइडे नाइट पी रहे हैं, सैटरडे नाइट चल रही है, कई लोग तो रोज शाम को ऑफिस से निकलते ही सीधा भागे भागे जाते हैं जहाँ पर, कहाँ जाते हैं, ठेका या जो भी बोलते हो आप, वट एवर यू कॉल इट, तो जाते हैं और जाकर खरीद के अपना, उसके बाद ही वहाँ से हिलेंगे फिर। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज इंडिया की नंबर वन कंपनी और लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर का रेट हर हाल में ऊपर जाएगा, अगर अगर खुशखबरियाँ इंडिया में फैल रही हैं तो भी ऊपर जाएगा, अगर लोग दुखी हैं तो भी, मतलब दारू तो बिकेगी यार हर हाल में, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर जाएगी। तो ये वो मोट कंपनीज हैं जिनके शेयर्स कभी नीचे लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, तो खरीद लो। सर आज तो आपने बहुत सारी काम की बातें बता दी एक ही सेशन में, सेकेंडरी मार्केट की बातें हो रही थी तो मुझे लगा मैं बता दूं। अच्छा, ऑटो सेक्टर के बारे में खास बात बताना चाहता हूँ, हर महीने की मंथली सेल्स आउटपुट, मंथली सेल ऊपर हुई या डाउन हुई हर महीने के बाद रिलीज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, भारत सरकार की पॉलिसी है। तो मंथ एंड पे, मंथ एंड हुआ हर महीने के एंड पे, अगला महीना शुरू होते ही बताना होता है कि प्रीवियस मंथ में हमारी सेल डाउन हुई, तो अगर दिसंबर में हमारी सेल अप थी जनवरी में डाउन हो गई, या फिर दिसंबर में डाउन थी जनवरी में अप हो गई, वो कंपैरिजन चलता रहेगा, मंथ टू मंथ चलता रहेगा। और एक कंपैरिजन ऐसे भी होता है कि जनवरी 2023 में हमारी सेल कम थी, जनवरी 2024 में हमारी सेल ज़्यादा है, तो
वो एक एक्सपोनेंशियल तरीके से भी, एक होता है लीनियर कंपैरिजन, प्रीवियस मंथ दिसंबर का कंपैरिजन जनवरी के साथ, नवंबर का कंपैरिजन दिसंबर के साथ, दिसंबर का कंपैरिजन जनवरी के साथ, लीनियर कंपैरिजन। एक होता है एक्सपोनेंशियल कंपैरिजन कि आपने लास्ट ईयर का कंपैरिजन आप करंट ईयर के साथ कर रहे हो, लास्ट जनवरी एंड करंट जनवरी उस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो भी एक कंपैरिजन है। उससे ट्रेंड पता चलता है कि सेल्स का ट्रेंड ऊपर है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। सेल्स का ट्रेंड डाउन जा रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन जा रही है, शेयर का प्राइस मार्केट में डाउन जाएगा। तो सारी कंपनीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटाज, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, दे रिलीज दिस फिगर एवरी मंथ। देन लॉन्ग रेंज मूवमेंट, मेटल सेक्टर ना बड़ा एक डिसेप्टिव सेक्टर है। वेल, क्या क्या बताऊँ, आज कुछ चीज़ें आगे के लिए रख लेता हूँ और डिटेल में बताऊँगा आराम से। हाँ, मेटल सेक्टर में बस सामने है तो इसलिए एक लाइन में बोल देता हूँ कि जो आयरन है या कॉपर एल्यूमिनियम की कंपनीज हैं, टाटा स्टील, जिंदल स्टील और हिंडालको, लॉन्ग टर्म में ऊपर 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 जाती 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 हैं, और जब गिरना शुरू होती हैं तो लॉन्ग टर्म नीचे जाती हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नीचे गिरी और फिर चढ़ गई। मेटल सेक्टर के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, जब गिरती हैं तो बड़ा लंबे समय तक नीचे गिरता रहता है शेयर। तो जब गिरने वाले फेज़ में हो तो कम मत खरीदना, लंबे समय तक गिरने दो उसको। जब बहुत लंबे समय तक गिर चुका हो और सब लोग कहें अब तो ख़त्म हो गया, 3 4 साल 5 साल से गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, अब खरीद लो, तो फिर खरीदना शुरू करो। और फिर खरीदो तो फिर लॉन्ग टर्म होराइजन वेट करो, 4 5 साल में पीक लेगा अपनी, चढ़ेगा ऊपर। तो मेटल सेक्टर की अलग कहानियां हैं। प्रमोटर, बात करूंगा इन सारे फैक्टर्स के बारे में और फंडामेंटल्स हैं सारे, आज नहीं बता रहा हूँ, और तरीके से बात करूंगा डिटेल में। अभी तो आप जल्दबाजी में हो रहा है क्योंकि ये हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये तो मैं बता रहा हूँ और मैं सिलेबस से हटकर, सिलेबस से बाहर जाकर बहुत कुछ बताता हूँ बैच में, थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी क्लास में थोड़ा सा, या कहोगे स्पेशल सेशन चाहिए तो स्पेशल सेशन हम अपनी क्लास से अलग हटके एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे। मतलब जो नॉर्मल क्लास होती है 2 घंटे की वो तो रहेगी, उससे अलग हटके एक 2 घंटे की क्लास सिर्फ ये सारे पॉइंट डिस्कस करने की, इफ़ यू से सो वी विल डू दैट। लेकिन वो वाला सेशन यूट्यूब पर नहीं जाएगा, वो सेशन सिर्फ अपने बैच के बच्चों के लिए है, जो अपने पेड कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए रहेगा, नॉट फॉर द यूट्यूब। ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया यूट्यूब के बच्चों को। तो ये सेशन हमारी, वेल ये वाला तो खैर ऐप में भी ओपन रहेगा और यूट्यूब पे भी ओपन रहेगा, हमारी जो ऐप है उसमें भी दिखता रहेगा और यूट्यूब पे भी दिखता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टेक्निकल में आपको RSI बता दिया है, मूविंग एवरेजेस वगैरह फिर किसी दिन और बताऊंगा। देन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स शाम को 3:30 बजे, सेलिंग इंटेंसिटी, बाइंग इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, वो सारी बातें हमारी हो गई। मार्केट सेंटिमेंट, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं जानबूझकर, डेलिब्रेट र्यूमर्स, और ब्रोकर्स ही फैला देते हैं यार, डेलिब्रेट र्यूमर्स मार्केट में फैलाए जाते हैं किसी शेयर को नीचे गिराने के लिए या ऊपर उठाने के लिए, स्विंग ट्रेड होता है। ये सारी बातें करेंगे आने वाले टाइम में। और अब अपने सिलेबस के हिसाब से, इन द सिलेबस, अपने सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ होती है बुलिश मार्केट, एक होती है बेरिश। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, रैली क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। तो अब हम अपने सिलेबस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो हु इज़ बुल, हाँ जी बुल क्या होता है, तो हम कहते हैं हु इज़ बुल इन द स्टॉक मार्केट, बुल मीन्स बायर, एवरी बायर इज कॉल्ड एज बुल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सो एवरी बायर इज कॉल्ड एज बुल, एंड वेन वी से मार्केट इज बुलिश, तो हम कहते हैं जब नंबर ऑफ बुल्स, नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, वेन द नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, इट इज कॉल्ड एज बुलिश मार्केट। तो इसको बुलिश मार्केट कहा जाता है। और दूसरे वर्ड्स में बोले, नंबर ऑफ बुल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बियर्स, नंबर ऑफ बुल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बियर्स। ये आपकी बुक में मैंने डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है आपको, आपके नोट्स में आपकी बुक में ये डायग्राम बना हुआ दिया, तो आपको बनाना नहीं है, ये यहाँ बनाना नहीं है। सो नंबर ऑफ बुल्स आर मोर देन नंबर ऑफ बियर्स, या नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, तो हम कहते हैं मार्केट इज बुलिश, मार्केट में बायर ज़्यादा है, मार्केट में बुल्स ज़्यादा है, मार्केट बुलिश है। और डिमांड इज मोर देन सप्लाई, जो पर्टिकुलर शेयर की डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो हम कहते हैं मार्केट प्राइस मूव्स अपवर्ड्स, ऐसा हम मानते हैं। जहाँ डिमांड ज़्यादा हो, 99.99% ये सच है कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जा रहा होता है, दैट इज़ देयर। रेयरेस्ट एक्सेप्शंस आर देयर, उसमें नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो इन द एक्सेप्शंस, बट दिस इज़ द जनरल रूल ओवर हेयर, मार्केट इज़ बुलिश। अच्छा, ओवरऑल बात करूँ BSE सेंसेक्स को लेकर,
मई 2014 में जब पीएम मोदी पहली बार मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 21,000 पॉइंट था। अब जनवरी 2024 आ गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 71,000 पॉइंट है। इसका मतलब स्टॉक मार्केट को मोदी पसंद है, सेंसेक्स को मोदी पसंद है, सेंसेक्स लाइक्स मोदी। हाँ, और मैं कहता हूँ मुझे वो लोग पसंद हैं जो जिनको सेंसेक्स पसंद करता है। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता कभी भी, मतलब यार मैं देखो मैं सही बताऊँ, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया, ना लोकसभा इलेक्शन में, ना अपने जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होते हैं। आई एम अ जीरो पॉलिटिकल गाय, आई एम अ जीरो पॉलिटिकल मैन, और मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, और मुझे न्यूज़ चैनल्स देखने बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पर वो पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर मुर्गे की तरह कुकड़ू कू चिल्ला रहे होते हैं और पीछे पीछे उनको पंगा लेने के लिए, पिन चुबाने के लिए एंकर बैठे होते हैं और पिन कर रहे होते हैं, अरे तू चुप बैठा है, तू बोल, तू मतलब वो वाली चीज़ें ना बिल्कुल सही सही में समझ में नहीं आती। तो आई एम अ पर्सन हु इज़ इनटू फाइनेंस, इनटू बिजनेस, पैसा कमाओ यार। मतलब मुझे ये पेपर इसलिए बड़ा पसंद है, ये पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि ये पेपर ना पैसा कमाने के लिए है और लीगल कंप्लाइंसेज के लिए है, लीगल कंप्लाइंसेज के लिए और पैसा कमाने के लिए, तो इसलिए ये पेपर, और हमारा स्पेशलाइजेशन पेपर है। मैंने पहले भी बोला CA में नहीं है, CMA में नहीं है, LLB में नहीं है, तो हमारा स्पेशलाइजेशन पेपर है, तो इसमें हम पॉलिटिकल बातें नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये सच है, सेंसेक्स को मोदी जी पसंद है, और मुझे वो पसंद है जो सेंसेक्स को पसंद है। तो 21,000 पॉइंट से बढ़कर 71,000 पॉइंट पहुंच गया है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, और हम कहेंगे सेंसेक्स इस टाइम में 10 साल बुलिश रहा, बेरिश नहीं रहा। ओवरऑल देखें ड्यूरिंग द 10 ईयर्स, 10 साल का जो टेन्योर रहा मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर के तरीके से, उस 10 साल के टेन्योर में सेंसेक्स वाज ओवरऑल बुलिश, सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट वे स्पीकिंग। और अगर आपको पीछे दिखाऊं तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब थे 2007 में, सेंसेक्स को तो मनमोहन सिंह भी बहुत पसंद थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे किसी ज़माने में 1992 में, एंड बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एशिया अवार्ड भी मिला था, हार्वर्ड एजुकेटेड, वेल डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स, मतलब बंदे के पास ताबड़तोड़ दिमाग, दिमाग तो बहुत ही बढ़िया था, चाहे बोलते कम थे लेकिन दिमाग तो मतलब फाइनेंस में, हार्वर्ड से पढ़कर आए थे, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स पढ़कर आए थे, तो वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज तो सारी लगा दी उन्होंने इंडिया के फ़ायदे के लिए, और किसी दिन बताऊंगा डिटेल में स्टोरी, बहुत बहुत काम किया यार इंडियन इकॉनमी को ऊपर उठाने के लिए 1991 से लेकर और मैं कहूँगा 2014 तक मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ पे काम हुआ। बीच में चाहे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे वो अपोजिशन में बैठे थे, लेकिन पॉलिसीज़ मनमोहन सिंह की चलती थी, चाहे बीच में रूलिंग पार्टी कुछ टाइम के लिए, उन दिनों में भी बीजेपी आई या कोई और रूलिंग पार्टी आई, थर्ड फ्रंट था, लेकिन चल तो सब मनमोहन सिंह का राज रहा था, मतलब उन्हीं की पॉलिसीज़ चल रही थी पूरे इंडिया को चलाने के लिए। और 1991 के गरीब इंडिया को गरीबी से अमीरी तक ले जाने के लिए 2014 तक मनमोहन सिंह ने बहुत काम किया यार, और सेंसेक्स उन दिनों में भी बहुत चढ़ा, बहुत चढ़ा। तो सेंसेक्स को तो मनमोहन सिंह भी बहुत पसंद थे, कोई दिक्कत ही नहीं, और वो कुछ बोल देते थे बढ़िया सा तो स्टॉक मार्केट हवा हवाई मतलब चढ़ जाती थी एकदम से स्टॉक मार्केट। तो 2007 की बात कर रहे हैं, और उन 2007 के दिनों में अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडिया में, अमेरिकन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स इंडिया में हैविली इन्वेस्ट कर रहे थे, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ बढ़िया चल रही थी, तो ये लोग इंडिया में बहुत पैसा लगा रहे थे, और सेंसेक्स BSE सेंसेक्स जो आज 71,000 पॉइंट है उसकी बात हो रही है, निफ्टी की बात नहीं हो रही है। जो मई 2007 में BSE सेंसेक्स 8,000 पॉइंट था, वो जनवरी 2008 में बढ़ते बढ़ते 21,000 पॉइंट पहुंच गया ऊपर, 21,000 पॉइंट। तो मई 2007 से लेकर जनवरी 2008 का जो सफ़र था, 7 से 8 महीने, 8,000 पॉइंट से बढ़कर अगर 21,000 पॉइंट गया तो 250% जंप ये मनमोहन सिंह के टाइम में ही हो सकता था इन 8 मंथ्स। बंदे का दिमाग, इंडिया की पॉलिसीज इतनी बढ़िया, और फॉरेन इन्वेस्टर्स दबा कर उन पॉलिसीज से अट्रैक्ट हो रहे थे और इंडिया में पैसा दबा दबा कर लगा रहे थे, खूब पैसा इंडिया में आ रहा था, एवरी डे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में आ रहे थे। अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये 21,000 से बढ़कर 71,000 हो गया है, ये 250% जंप आने में 10 साल लगे हैं, ये 250% जंप आने में 10 साल लगे हैं। मोदी जी के राज में भी 250% जंप आई, या उससे ज़्यादा ही आई, शुड आई से 350%, 350% कहें, हाँ जी 350% जंप आई, लेकिन ये 350% जंप आई है 10 साल में। मनमोहन सिंह की पॉलिसीज चल रही थी 250% जंप, 250% जंप आती है कितने महीने में, 8 महीने में।
और सारे अमेरिकन यूरोपियन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाए जा रहे हैं और सेंसेक्स भागे जा रहा है। और होता क्या था, जैसे मान लो 8,000 पॉइंट से भाग कर ऊपर पहुंचा 11,000 पॉइंट, फिर लोगों में ना डर पैदा हो जाता था कि यार इतना ऊपर क्यों जा रहा है, तो इंडियंस ही उठाकर शेयर्स बेच रहे होते थे। फिर सेंसेक्स 11,000 पॉइंट से गिरकर 10,700 आ गया, 2-3 दिन के लिए गिरा, सेलिंग ज़्यादा हो गई, लोगों ने डर में डर के मारे बेचना शुरू कर देते हैं लोग, भाई RSI चला गया 70 के ऊपर, बेचो बेचो बेचो। तो कुछ दिन का सेलिंग प्रेशर आया, फिर मनमोहन सिंह ने फिर कुछ अच्छा बोल दिया, एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, फिर भाग कर 14,000 पॉइंट चला गया, फिर लोगों में डर पैदा हो गया, यार हो क्या रहा है यार, ये मतलब इतना ऊपर कैसे भाग रहे हैं शेयर, और बाहर वाले लोग आ रहे हैं, डिमांड सप्लाई का चक्कर है सारा। ऐसा नहीं कि सेंसेक्स की 30 कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई थी, ऐसा नहीं है, और कोई बहुत मैजिक हो गया था प्रॉफिटेबिलिटी में और बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ज़्यादा फूल गए थे, कुछ नहीं हुआ था, सब 30 कंपनीज जो थी सेम प्रॉफिट पे चल रही हैं, सेम कंसिस्टेंट चल रही हैं अपना, कुछ कुछ यहाँ चमत्कार नहीं हो रहा, कंपनीज 30 कंपनीज में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना तो बैलेंस शीट में, लेकिन मनमोहन सिंह की अच्छी अच्छी पॉलिसीज अनाउंस हो रही हैं और सेंसेक्स ऊपर 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 भागता जा रहा है। और बीच में जब लोगों में डर पैदा हो रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई शेयर की, डिमांड की वजह से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, एक होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है, मंथली प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी अच्छी आ रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर का रेट बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि जो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में कमाया था वैसे ही करंट क्वार्टर में कमाया है और सेम सेम ही प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा 2% 5% हल्का फुल्का इधर उधर है, लेकिन शेयर के रेट डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, 4 टाइम्स जा रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े ना बढ़ रहे थे उतने। मनमोहन सिंह पॉलिसीज अनाउंस कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अब क्या होता है और उन फॉरेन इन्वेस्टर्स का नाम क्या है, उस जमाने में कहते थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आज की तारीख में नाम हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, लेकिन बात एक ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, माइनर चेंज है मैं बताऊंगा। तो ये जो मार्केट ऊपर चढ़ी थी 8 महीने, ये किसका किया धरा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, जो वो इंडिया में एवरी सिंगल डे देवर इन्वेस्टिंग $1 बिलियन, कभी $800 मिलियन, कभी $600 मिलियन, रोज बाइंग कर रहे हैं, डेली कॉन्टिन्यूस बाइंग 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 किए जा रहे हैं। तो और इस तरीके की इतनी हैवी बाइंग आ रही है, तो इनको नाम दिया गया मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अब कुछ नाम है यहाँ पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये जो कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट नेम्स आर देयर। तो मैं कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो मीनवाइल इनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। टोटल 10,000 से ज़्यादा है आज की तारीख में, आज की तारीख में, अब 2024 में बात कर रहा हूँ तो 10,000 का नंबर क्रॉस हो गया है, जिन्होंने अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करवा रखा है इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको परमिशन दी हुई है, ये जब चाहे इंडिया में पैसा लगा दें और जब चाहे अपना पैसा निकाल लें विदाउट एनी परमिशन ऑफ RBI। कितने भी डॉलर कितने भी यूरो ये इंडिया में पर डे ले आएँ और फिर पर डे ले जाएं, एक लिमिट सेट की हुई है, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो फेमा में है, किसी दिन और बता दूंगा आपको वो लिमिट, दैट इज़ इन द पेपर ऑफ योर इकोनॉमिक कॉमर्शियल ECIPL का जो आपका पेपर है उसमें फेमा में आती है वो लिमिट, बट मैं बता दूंगा आपको वो लिमिट क्या है। इनके लिए एक ओवरऑल लिमिट रखी हुई है, लेकिन अदरवाइज उस लिमिट के अंदर अंदर ये कितना भी पैसा इंडिया में एक दिन में लगा दें और कितना भी पैसा अगले दिन निकाल लें विदाउट एनी परमिशन ऑफ SEBI, विदाउट एनी परमिशन ऑफ RBI, इनको फ्रीली रीपैट्रिएशन बेसिस पे, फ्री रीपैट्रिएशन बेसिस पे इंडिया में पैसा लगाना अलाउड है, उसको बोलते हैं फ्रीली रीपैट्रिएबल बेसिस, फ्री फॉरेक्स इनफ्लो, फ्री फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो, फ्री फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो करना अलाउड है। अब सुनो भयंकर नेक्स्ट न्यूज़, और ये कब हो रहा है, अब ये तो चलो आपने देखा, अच्छा इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट, भयंकर वाली न्यूज़ बाद में, ये जो बीच में 3-3 दिन दिख रहा है ना फॉल आया, जो अब पीछे भी दिख रहा था आपको, ये फॉल आ रहा है बीच में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन का एक फॉल आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द बुलिश मार्केट, जब मार्केट ओवरऑल बुलिश थी, तो व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेरी फॉल इन द बुलिश मार्केट फॉर फ्यू डेज, टेम्परेरी फॉल फॉर फ्यू डेज, 3 डेज 4 डेज 5 डेज 7 डेज 10 डेज, और फिर से मार्केट ऊपर दौड़ पड़ी, तो इट इज़ कॉल्ड एज रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन भी बोलते हैं और करेक्शन भी बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर जा रही है, लॉन्ग टर्म 8 महीने तक ऊपर जा रही है, 8 महीने तक मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बुलिश। लेकिन उस लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट में जो बीच में 3 दिन 4 दिन का या 10 दिन का टेम्परेरी फॉल आया, फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो बीच बीच में जो छोटे टेम्परेरी फॉल आते हैं उनको बोला जाता है, दे आर कॉल्ड रिएक्शंस, दे आर कॉल्ड करेक्शन, कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है, मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है,
या मार्केट ने रिएक्ट किया है, ऐसा बोला जाता है और एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। सो मई 2007 से लेकर जनवरी 2008 के बीच में इन ओवरऑल बुलिश मार्केट व्हेन देयर वाज अ टेम्पररी फॉल फॉर 2-3 डेज और मे बी मोर देन दैट इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन और करेक्शन। मतलब कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है इसका, टेम्परेरी है फिर, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये दिख रहा है कि 8 मंथ्स के लिए मार्केट बुलिश थी, ऐसा नज़र आ रहा है। देन बेयरिश मार्केट क्या होती है? बेयरिश मार्केट इज, एंड देन हु इज बियर, तो हम कहते हैं आपको ऑलरेडी पता ही है, बियर इज सेलर, यू नो दैट बियर इज सेलर। और बियरिश मार्केट किसको बोलेंगे? व्हेन द नंबर ऑफ बियर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बुल्स। मार्केट में बियर ज़्यादा है, बुल्स कम है, मार्केट में सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो हम कहेंगे मार्केट इज बियरिश। और ऐसे केस में जनरल रूल तो यही बोलता है कि मार्केट प्राइसेज आर मूविंग डाउनवर्ड्स, प्राइस नीचे ही जा रहे होते हैं। जब कोई पर्टिकुलर शेयर बियरिश है तो प्राइसेज आर गोइंग डाउनवर्ड, जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे ही जा रहा होगा, और बेचने वाले ज़्यादा हैं तो वो मरे जा रहे हैं किसी भी प्राइस पे बेचने के लिए, खरीदने वाले कम हैं और वो कह रहे हैं आ जा भाई नीचे आ जा थोड़ा सा। आपने देखा ना टग ऑफ वॉर, वही वाला टग ऑफ वॉर, तो टग ऑफ वॉर से आपको समझ में आ जाएगा, आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लिया TCS का, थोड़ा सा नीचे आ जा। तो जब मार्केट बेयरिश है तो उस वक्त प्रेशर किसके ऊपर है? उन लोगों के ऊपर जो सेल ऑर्डर लगा कर बैठे हैं, और हो सकता है वो लोग परेशान होकर, मतलब दिमागी परेशानी है, साइकोलॉजिकली परेशान होकर 15 पैसे 20 पैसे 40 पैसे 50 पैसे नीचे आ जाए। और फिर हो सकता है एक आदमी 40 पैसे नीचे आएगा, दूसरा आदमी 60 पैसे और तीसरा आदमी जो सेलर, जो सेलिंग के लिए बैठा है, वो 1 रुपया नीचे आ जाए या 2 रुपये नीचे आ जाए कि चल छोड़ यार 2 रुपये कम मिलेंगे तो भी आई विल सेल द शेयर, 3840 का नहीं बेचूंगा, 3838 का बेचूंगा, 3840 का नहीं बेचूंगा, 3838 का बेच दूंगा, थोड़ा सा 2 रुपये लॉस ले लेता हूँ। तो उसमें प्राइसेस डाउन जाने के चांसेस है। देन अब भयंकर वाला एग्जांपल, और ये भयंकर वाला एग्जांपल कब का है? जनवरी टू मई 2008। ऐसा फॉल भी कभी नहीं आया स्टॉक मार्केट में जो जनवरी टू दिसंबर मई 2008 में देखने के लिए मिला। और ये हमारा प्रिय BSE सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, जो जनवरी में 21,000 पॉइंट हिट कर चुका था, जो अभी पीछे एग्जाम्पल देखा, इसी एग्जाम्पल की कॉन्टीन्यूटी चल रही है, इसी एग्जाम्पल की कॉन्टीन्यूटी आगे चल रही है। ये कहानी क्या थी? रियल लाइफ स्टोरी है, मई 2007 से लेकर जनवरी 2008। और अब आगे की कहानी क्या है? जनवरी 2008 से मई 2008, 5 महीने धड़ाम 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 नीचे गिरना शुरू हो गया सेंसेक्स। 5 महीने के अंदर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 21,000 पॉइंट से गिरकर 8,000 पॉइंट आ गया। भयंकर फॉल, भयंकर फॉल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। और 8,000 पॉइंट पे आकर मई 2008 में वहीं रुका जहां मई 2007 में था, जहां मई 2007 में था वहीं आकर रुक गया। और मार्केट में जो पंडित थे उन्होंने बोला कि हमारी जो रियल वैल्यू है ना सेंसेक्स की, वो तो यही है 8,000 पॉइंट। वो तो बीच में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ गए थे ना अच्छी अच्छी बातें सुन के, उनके चक्कर में शेयर्स के रेट फूल गए थे। हमारी जो रियल वर्थ है ना, रियल वर्थ कैसे कैलकुलेट होती है वो आगे बात करेंगे ही, वो सारी बातें होंगी और ज्ञान ध्यान की बहुत सारी बातें होंगी आगे। तो नाउ द पॉइंट इज कि सब लोगों ने बोला कि हमारी एक्चुअल औकात 8,000 पॉइंट की है, बाकी तो मनमोहन सिंह जी ने बहुतों को इनवाइट कर लिया इंडिया में आओ पैसा लगाओ एंड ऑल दैट। सो वेल, लेकिन उन दिनों में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आए, बहुत लोग स्वर्ग सिधार गए स्टॉक मार्केट में, और ब्लड बाथ बोलते थे, ब्लड बाथ ऑन द दलाल स्ट्रीट एंड ऑल दैट। लेकिन ये शुरू क्यों हुई थी कहानी, उसके पीछे कारण क्या था? अमेरिका में इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ अमेरिका, बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अमेरिका, लेमन ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक ऑफ अमेरिका, वहाँ के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वहाँ के टॉप मर्चेंट बैंकर्स, टॉप बैंकर्स, टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंसॉल्वेंट हुए जा रहे हैं। अब मैं उसके क्राइसिस में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो इन द क्राइसिस पार्ट। आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका थे उन्होंने कहा कि इन सारे अमेरिकन बैंक्स को बचाने के लिए, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट $800 बिलियन डोनेट कर रही है इन सबको, इन बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इनको बचाने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट सरकारी खजाने में से $800 बिलियन डोनेट कर रही है ताकि ये लोग वाइंडिंग अप में ना चले जाएं। मतलब बहुत ज़बरदस्त कहानी है इसके पीछे, उसमें नहीं जा रहा मैं अभी। अमेरिकन इकॉनमी का बैंड बजा हुआ था उस वक्त, तो जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इंडिया में 2007 में पैसा लगाया था, वो शेयर्स को, इंडियन कंपनीज के शेयर्स को बेच बेच कर पैसा निकाल निकाल कर, जिस भी दाम पे बेच रहे थे औने पौने दामों पर बेच बेच कर अपना पैसा निकाल कर और रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका ले जा रहे थे वापस। और इंडिया में हैविंग सेलिंग चल रही थी,
तो ये लोग जो हैवी सेलिंग कर रहे थे उस हैवी सेलिंग की वजह से, और हर दिन अगर 800 मिलियन डॉलर इंडिया से जा रहा है पर डे, या 1 बिलियन डॉलर किसी दिन जा रहा है, किसी दिन 600 मिलियन डॉलर इंडिया के बाहर जा रहा है, तो मार्केट तो क्रैश 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 हो रही थी। और बीच बीच में क्या होता था, बीच बीच में मनमोहन सिंह आए, MS मनमोहन सिंह आए, कोई बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ बोली उन्होंने, मार्केट 2-3 दिन के लिए बढ़ गई, बहुत बढ़िया कुछ अच्छा सा बोल दिया इंडियन इकॉनमी के बारे में कि अमेरिकन इकॉनमी में प्रॉब्लम है, इंडियन इकॉनमी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडियन इकॉनमी में तो बहुत बढ़िया कर रही है। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा मनमोहन सिंह बोल रहे हैं इंडियन इकॉनमी तो बहुत बढ़िया कर रही है, और हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, या जो भी है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब अच्छी अच्छी बातें बोल दी, शेयर का रेट बढ़ गया। फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उस वक्त, जो भी पी चिदम्बरम थे या जो भी थे, उन्होंने 2-4 अच्छी बातें बोल दी किसी दिन, तो शेयर का रेट बीच में 4-5 दिन चढ़ गया, और फिर अमेरिका में फिर से नया पैनिक बटन दबा कि कोई नया बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है, तो फिर उन्होंने बिकवाली करना शुरू किया, सेलिंग प्रेशर आया और फिर से मार्केट गिरना शुरू हो गई। तो 5 महीने मार्केट लगातार गिरती चली गई, क्यों? क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स, अमेरिकन बैंक्स इंसॉल्वेंट हो रहे थे उन दिनों में। और यहाँ मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हम क्या बोलते थे, ब्लड ऑन दलाल स्ट्रीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है, जिस सड़क पे है, वो सड़क का नाम दलाल स्ट्रीट है, तो यही बोलते थे ब्लड ऑन दलाल स्ट्रीट। सबको हार्ट अटैक आ रहे हैं, ज़मीन पर लेटे पड़े हैं, किसी ने पीक लेवल पे यहाँ पर कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, जिन इन्वेस्टर्स ने 21,000 के लेवल पे भयंकर बाइंग की हुई थी, इंडियन इन्वेस्टर्स जिन्होंने 21,000 के लेवल पे, और साथ में वही वॉचमैन, हाउसमेड, कपड़े धोने वाली, सबने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब मार्केट क्रैश होना शुरू हुई तो संभलने का मौका ही नहीं मिला, सब लोगों के तोते उड़ गए, एवरीबडी वाज इन द लॉस। तो और घूम फिर कर मई 2007 का जो लेवल था 8,000 पॉइंट का सेंसेक्स, मई 2008 वहीं आकर रुका वापस से। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो मार्केट बिकेम बेयरिश, लेकिन बीच बीच में 2-3 दिन का टेम्परेरी क्लाइंब आता है, तो उसको कहते हैं रैली। क्या बोलते हैं? रैली, टेम्परेरी क्लाइंब, किस कभी प्राइम मिनिस्टर के बोलने से, कभी फाइनेंस मिनिस्टर के बोलने से, इन ओवरऑल बेयरिश मार्केट व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी क्लाइंब फॉर 2-3 डेज, सच क्लाइंब इज कॉल्ड रैली। और ज़रूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के बोलने से हो, कोई और रीज़न भी है, मतलब बीच में क्लाइंब आया, टेम्परेरी क्लाइंब, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है, और फिर से क्रैश में चली गई मार्केट। तो लॉन्ग टर्म बेरिश चल रहा था, 5 महीने तक मार्केट सॉलिड बेरिश रही, लेकिन बीच बीच में जब थोड़ा बहुत क्लाइम मारा तो उसको बोलते हैं रैली आ गई मार्केट में, मार्केट में रैली आ गई, मार्केट अप हो गई 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए अप हो गई, तो मार्केट में रैली आ गई। अच्छा, ये तो तब की बातें हो गई। 2018 का एक बहुत भयंकर फ्रॉड बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, इंडिया की सबसे टॉप लेवल की इंडस्ट्रियल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, इंडस्ट्रियल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ILFS लिमिटेड कंपनी का नाम, IL&FS लिमिटेड, 1,00,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, पैसा बोरो किया बहुत सारे बैंक्स से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, और रीपे नहीं किया। 1,00,000 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किए, 1,00,000 करोड़ रुपए बोरो किया, 1,00,000 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, रिडम्पशन के टाइम पे रिडीम नहीं किया, और बोला जी पैसा तो उड़ गया, खत्म हो गया, सॉरी गायब, चली गया छे। तो कंपनी का अपना शेयर तो मार्केट में डूबा ही डूबा, ILFS का अपना खुद का शेयर तो मार्केट में डूब ही गया, क्रैश हो गया बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जिन बैंक्स ने, जिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ILFS में पैसा लगाया हुआ था, ILFS के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, और वो डिबेंचर्स रिडीम नहीं हुए, उन सबका पैसा डूब गया, और वो पब्लिक न्यूज़ में आ गया कि 100-100 बैंक्स ने लगा रखा था, उन सबका डूब गया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने लगा रखा था डिबेंचर्स में ILFS में, तो वो डूब गया, वो रिडीम तो हो नहीं रहे। उन सारे बैंक्स का भी और उन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी शेयर स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और मान लो कि ILFS में बैंक ए ने पैसा लगा रखा था, और बैंक ए में बैंक बी ने पैसा लगा रखा था, पता चला इम्पैक्ट बैंक बी के ऊपर भी जा रहा है, और बैंक बी के शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहे हैं। तो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ILFS फ्रॉड। सितंबर 2018 की बात हो रही है, सितंबर 2018 में सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स 39,000 पॉइंट था, ILFS के फ्रॉड की वजह से दिसंबर 2018 आते आते सेंसेक्स 34,000 पॉइंट तक नीचे गिरा, 5,000 पॉइंट का फॉल आया। ऐसा नहीं कि मतलब हाफ रह गया या जो भी है, लेकिन 5,000 पॉइंट के फॉल को भी बहुत ज़बरदस्त फॉल माना गया, और उस वक्त बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने और RBI, वेल कहना चाहिए बैंक्स ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सपोर्ट मांगी कि हमको फंड्स दे दो, हमको दान दे दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि तुम लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था, अब डूब रहे हो तो डूबो, हम नहीं करेंगे हेल्प, हम वो अमेरिकन सिस्टम फॉलो नहीं करते। अमेरिका में तो अमेरिका का जो US फेडरल बैंक है, उन्होंने लेमन ब्रदर्स को हेल्प कर दिया या गोल्डमैन सैक को हेल्प कर दिया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सॉरी, और हम आपको डोनेशन देंगे, आपको बचाएंगे, और अगर कुछ कंपनीज वाइंडिंग अप में जाती हैं तो जाएं, आरबीआई विल नॉट गिव द सपोर्ट। और उस वक्त एक छोटा सा झगड़ा, मैं कहूँगा कि आरबीआई गवर्नर और 2018 की बात है, तो मैं कहूँगा छोटा सा झगड़ा एक आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली में भी हुआ था। डिटेल में नहीं जाऊँगा, दो लाइनों में सिर्फ ये बोलूँगा, अरुण जेटली ने फाइनेंस मिनिस्टर को बोला, उर्जित पटेल हुआ करते थे जिनको बीजेपी लेकर आई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रघुराम राजन, वो तो कांग्रेस लेकर आई थी, वो रिटायर होकर जा चुके थे टेन्योर खत्म करके, उर्जित पटेल उनकी जगह आए थे जिनको बीजेपी ने अपॉइंट किया था, लेकिन उर्जित पटेल ने बोला सॉरी आई विल नॉट टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ऑन दिस मैटर, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप पॉलिटिकल थिंकिंग से सोचते हो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो अगले 100 साल 200 साल रहने वाला है, हम तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये सोचती हैं कि हम स्टॉक मार्केट में अगर बहुतों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे अगली बार के लिए या पॉलिटिकल चंदा मिलेगा अगली बार के इलेक्शन के लिए, आप अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग से सोचते हो, आरबीआई तो ये सोचता है कि हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, अगर आरबीआई ने फंड्स दे दिया, आरबीआई इंसॉल्वेंट हो गया तो पूरी इंडियन इकॉनमी की वाट लग जाएगी, तो उर्जित पटेल ने मना किया, बाद में उर्जित पटेल को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर रिजाइन करके जाना पड़ा, तो अभी खैर उस पूरी कहानी में डिटेल में नहीं जाऊंगा, गूगल सर्च करना आपको मिल जाएगा, उर्जित पटेल वर्सेस अरुण जेटली तो मिल जाएगा आपको। खैर आईएलएफएस का फ्रॉड, 99,000 करोड़ का डेट नहीं, बाद में तो खैर फिगर निकल कर आई, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का डेट था जिसमें डिफॉल्ट हुआ, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में गई, बैंक्स में येस बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, और येस बैंक को बचाने के लिए बाद में आरबीआई खुद आया, आरबीआई ने येस बैंक के अंदर पैसा तो बहुत कम डाला, लेकिन येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉडलेंट डायरेक्टर्स को हटाकर उनकी जगह पर खुद आरबीआई ने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, तो वो सब कुछ रहा यहाँ पर होता रहा, तो समझ में आ रहा है लंबे टाइम तक नीचे गिर रहे हैं, बेरिश, बीच में 2-3 दिन के लिए ऊपर चढ़ गए, रैली, फिर से नीचे गिरते चले गए लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट, तो लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट में जब 2-3 दिन का, 4-5 दिन 10 दिन का क्लाइंब आता है तो उसको रैली बोल दिया जाता है, और फिर बॉटम लेवल तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो बिकवाली करके भागने वाले लोग कौन थे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, जो इन दोनों में बेच रहे थे और भाग रहे थे। अब अगर मैं पहले वाले डायग्राम और इस डायग्राम को कंबाइन करता हूँ, ये पहले वाला डायग्राम जो है मई 2007 से लेकर जनवरी 2008 मार्केट ऊपर जा रही थी 8 महीने तक, एंड इट वॉज बुलिश, और दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ टॉप लेवल पे पहुँच के, पीक लेवल पे पहुँच कर फिर मार्केट नीचे गिर रही है जनवरी 2008 से और मई 2008 तक 5 महीने, तो जब ये पीक लेवल पे पहुँची तो यहाँ से ये जो यू टर्न लिया इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो अगर एग्जाम में पूछें व्हाट इज ट्रेंड रिवर्सल, तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है, जब लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट एक पीक लेवल पे पहुंचकर लंबे टाइम तक नीचे गिरती है, लॉन्ग टर्म बेयरिश हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पीक लेवल पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया, इट इज ट्रेंड रिवर्सल ऑन द पीक लेवल। और ऐसे ही अगर जब लॉन्ग टर्म बेयरिश मार्केट एक बॉटम लेवल टच करती है और बॉटम लेवल टच करके फिर ऊपर जाती है, बॉटम लेवल टच करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट जाती है, नाउ इन दैट केस और फिर से लॉन्ग टर्म बुलिश हो जाती है, तो जो बॉटम लेवल है इसको भी क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो ट्रेंड रिवर्सल को अगर एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं, व्हेन द लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट बिकम्स लॉन्ग टर्म बेयरिश आफ्टर टचिंग द पीक लेवल, इट इज कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल, एंड सिमिलरली व्हेन द लॉन्ग टर्म बेयरिश मार्केट बिकम्स लॉन्ग टर्म बुलिश आफ्टर टचिंग द बॉटम लेवल, देन इट इज वंस अगेन कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल ही है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ मुड़े दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल। तो सिंपल क्वेश्चन इन द एग्जाम, व्हाट इज बुलिश, व्हाट इज बेरिश, व्हाट इज रैली, व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ और समझाना है। अच्छा, इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं, जब पीक लेवल पे जा रहे हैं तो मतलब ये इस वक्त स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है, ये जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये बूम है, बूम टाइम, दिस इज बूम टाइम। बुलिश मार्केट को स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं, बूम टाइम, मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट में बूम है।
और जब बेयरिश चल रही है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ये बर्स्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है, दिस इज बर्स्ट टाइम। और पीछे मुड़कर अगर हम देखें निफ्टी, तो निफ्टी में ऐसा दिखता है 5 साल का बूम आता है और 2 साल का बर्स्ट आता है, फिर 5 साल का बूम आता है, फिर 2 साल का बर्स्ट आता है, ये निफ्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। तो जो लोग मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं लंबे समय से, या अभी ऑब्जर्व करना शुरू किया पिछले 1-2 साल में, लेकिन पीछे का सारा हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं कि निफ्टी में 5 साल बूम रहता है, फिर 2 साल बर्स्ट हो जाता है, फिर 5 साल बूम रहता है, फिर 2 साल बर्स्ट हो जाता है। तो खरीदने का टाइम, बेचने का टाइम, अकॉर्डिंगली दे डिसाइड, जो लंबे टाइम से ऑब्जर्वर्स हैं या जिनका ऑब्जर्वर नए बने हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन काफ़ी पुराना है, हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है। सो वेल आई विल से, तो एक हो गया बूम टाइम बुलिश और एक हो गया बेरिश, दैट इज बीच में। अच्छा, ये जो 10 साल हम बात कर रहे हैं मोदी जी के, 10 साल 2014 से लेकर 2024, सारा ही बूम रहा क्या, सारा ही बुलिश रहा क्या, बीच बीच में बेरिश भी होता था। ओवरऑल आपको दिख रहा है कि ओवरऑल 10 साल में बुलिश रहा लेकिन बीच बीच में बेरिश भी तो होता था, और बीच बीच में कुछ महीने के लिए मार्केट बेरिश हो जाती थी। और वो दिखाता हूँ अभी आपको, एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ। तो बॉटम लेवल इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड देन बाय एंड देन होल्ड, और पीक लेवल इज द बेस्ट टाइम टू सेल, और सेल करके जो पैसा आए उसको बैंक अकाउंट में FD करवा दो, खर्च नहीं करना, ऐश नहीं करना, उड़ाना नहीं है। तो पीक लेवल पे जब बेचें तो जो पैसा आता है उसको बैंक में FD करवा दीजिए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर ऑन अगेन। अब सुनो जरा, मैंने कहा ना पिक्चर भी बाकी है। बुलिश मार्केट की, ओवरऑल बुलिश मार्केट चल रही है, ओवरऑल बुलिश मार्केट चल रही है, और एकदम से बुलिश मार्केट चलते चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ दे दी और शेयर का रेट एकदम से, या मार्केट एकदम से जंप हो गई 1-2 दिन 3 दिन के लिए, तो क्या बुलिश मार्केट में भी रैली आ सकती है? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट नीचे गिर रही है बीच में 3 दिन की रैली आ गई, ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं मार्केट तो ऑलरेडी पहले ही ऊपर चल रही थी, ऊपर चलते चलते ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अच्छी सी न्यूज़ दे दी, और न्यूज़ देने से मार्केट एकदम से 2-3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई, और उसके बाद फिर वापस नॉर्मल ट्रैक रिकॉर्ड पे बुलिश फिर से चल रही है ऊपर। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? आंसर इज़ येस, कि मार्केट पहले से ही बुलिश थी, बीच में 3-4 दिन के लिए झटके से एक्सट्रीमली बुलिश हो गई, और उसी को कहेंगे बुलिश मार्केट में रैली आ गई, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बीच में अनाउंस कर दिया कि हम कॉरपोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, 30% से 25% कर रहे हैं। और ये बात मैं कब की कर रहा हूँ, सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी निर्मला सीतारमन, हाँ जी निर्मला सीतारमन। तो सितंबर 2019 में वो गई थी गोवा, और गोवा गई थी वो शायद मंडे का दिन था, या जो भी, आप चेक कर लेना तारीख वगैरह, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। कोई सेमिनार था फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ, तो वहाँ पर वो बोली कि हम सारी कंपनीज पे ऑल ओवर इंडिया इनकम टैक्स रेट कम कर रहे हैं, जो 30% टैक्स लगता है कॉरपोरेट इनकम टैक्स ऑन द कंपनीज, ऑन द रिलायंस, ऑन TCS, ऑन टाइटन, ऑन HDFC बैंक, उसको रिड्यूस करके 5% कर रहे हैं। फटाफट लोगों ने, सुबह 11 बजे अनाउंसमेंट हुई और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सेंसेक्स एक दिन में 2000 पॉइंट जंप हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स एक ही दिन में 2000 पॉइंट जंप हुआ था इन सिंगल डे, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ पहले, और कभी नहीं हुआ बाद में, आज तक तो नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जो 2019 में घटना घटी थी वो एक ही बार हुई है हिस्ट्री में, कि BSE सेंसेक्स सिंगल डे में 2000 पॉइंट से ज़्यादा जंप कर जाता है। तो सितंबर 2019 की बात हो रही है और एग्जैक्ट डेट आप चेक कर लेना। वेल, तो क्या बुलिश मार्केट में भी रैली दिख सकती है? एंड द आंसर इज येस, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो होता है। और अब दूसरी तरफ बात करते हैं मार्च अप्रैल मई 2020 की, कोरोना जब आया, कोरोना की शुरुआत फरवरी 2020, कोरोना आने से पहले जनवरी फरवरी 2020 मार्केट ना पहले ही बेयरिश चल रही थी, अभी तो कोरोना का बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, चाइना से हल्की हल्की न्यूज़ आ रही थी कोरोना कोरोना, इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था। और मार्च अप्रैल 2020 में जैसे ही कोरोना की ब्रेकडाउन हुआ और लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी ऑल ओवर इंडिया, सारी फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन सब रोक दिया, महाराष्ट्र से मजदूर बेचारे याद होगा आपको भागे भागे जा रहे हैं मुंबई, मुंबई से भागकर बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, एंड ऑल दैट, रिमेंबर दैट। लॉकडाउन 1 लगा, लॉकडाउन 2 लगा, याद होगा जनता कर्फ्यू पहले अनाउंस किया मोदी जी ने, और उसके बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। जो मार्केट ऑलरेडी बेयरिश थी जनवरी फरवरी में,
जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जैसे ही वो जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ और लॉकडाउन अनाउंस हुआ, मार्केट क्रैश। सबको बोला गया अपने घरों में रुकें, अपने ऊपर खुद कर्फ्यू लगाएं, और उसके बाद अगले दिन से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2। और मार्च अप्रैल 2020 में फास्ट डिक्लाइन, मई 2020 में भी आगे फिर बेरिश रही मार्केट। तो वेल आई से 2 महीने जो मार्केट में सुपर क्रैश आया, क्या बोले, मार्केट ने रिएक्ट किया जनता कर्फ्यू के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर रिएक्ट किया। तो ये भी क्या है, रिएक्शन है या स्टीप फॉल इन द मार्केट फॉर 2 मंथ्स, फास्ट डिक्लाइन इन द मार्केट फॉर 2 मंथ्स, जो भी कहें आप। एंड देन आल से मई 2020 में उसके बाद मार्केट फिर भी बेरिश रही। तो क्या बेरिश मार्केट में भी रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है? यस। तो अब पिक्चर कंप्लीट हो रही है। और वेल ये अच्छा, बुल को बुल क्यों कहते हैं, बुल को बुल क्यों कहते हैं और बियर को बियर क्यों कहते हैं, बताता हूँ, अभी आता हूँ, इस स्लाइड पे वापस आता हूँ। नाउ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आपको बताना है। मैंने बहुत देर बोल लिया, आप आंसर बताओगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट नंबर 1, अ रैली इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। रैली क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? स्टेटमेंट नंबर 2, रैली कैन हैपन बोथ इन द बुल मार्केट इन द बियर मार्केट, दोनों में हो सकती है। तो अब आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये सेकंड वाली गलत है, फर्स्ट वाली सही है या उल्टा है। फर्स्ट वाली गलत है, सेकंड वाली सही है, ए बी, या दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, पॉइंट सी दोनों ही गलत हैं, या पॉइंट डी दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, क्या है ये एक बार बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से चैट के अंदर। सवाल जवाब का टाइम आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग तो फुल अटेंटिव हो अभी भी। सो सर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म लिखा है सर, और रैली लॉन्ग टर्म नहीं होती सर, रैली तो शॉर्ट टर्म होती है सर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, और स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि रैली बुल मार्केट में भी हो सकती है और बियर मार्केट में भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो फाइनली द करेक्ट आंसर इज बी, फाइनली द करेक्ट आंसर इज बी, दैट स्टेटमेंट नंबर 1 अबव इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? एंड देन आल से, तो ये तो हो गया 1 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अब रिएक्शन की बात हो रही है। तो रिएक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट, या दोनों? और स्टेटमेंट नंबर 2, रिएक्शन कैन हैपन बोथ इन द बुल मार्केट एज वेल एज बियर मार्केट। हाँ जी, फटाफट फटाफट आंसर। चलिए, लाइन लगा कर बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास। सर सेम है सर, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि रिएक्शन तो लॉन्ग रन तो होता नहीं है, शॉर्ट टर्म होता है, और बुल मार्केट और बियर मार्केट दोनों में हो सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, एंड देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज बी वंस अगेन। हाँ जी, क्लियर है ना? अब इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, कुछ और यहाँ पर बता दूँ आपको, ये सेशन ख़त्म करते समय बुल किसको कहते हैं, बियर किसको कहते हैं, वो आपको मालूम है, लेकिन क्यों कहते हैं? अमेरिका में कहते थे, हमने इंडिया में कॉपी कर लिया। और अमेरिका में क्यों कहते थे, बायर को बुल क्यों कहते हैं और सेलर को बियर क्यों कहते हैं? बुल की टेंडेंसी है, जब बुल फाइट होती है, अमेरिका में तो बुल फाइट्स होती हैं, कैलिफोर्निया में होती हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, तो बुल की एक टेंडेंसी है ये, जब अपने दुश्मन पे अटैक करता है दुश्मन को मारने के लिए, तो अपने हॉर्न्स जो उसके हैं, मालूम है ना हॉर्न्स क्या होते हैं, सींग, पता है ना? तो अपने हॉर्न्स में अपने दुश्मन को जब फंसाता है तो नीचे नहीं फेंकता, ऊपर फेंकता है, हमेशा हवा में ऊपर उछालता है। तो स्टॉक मार्केट ऊपर उछल रही है, तो मतलब वो बुलिश ट्रेंड हो गया, बुलिश ट्रेंड, क्योंकि बुल की टेंडेंसी क्या है, अपने दुश्मन को, अपने ओपोनेंट को ऊपर की तरफ उछालना। तो भाई स्टॉक मार्केट में तो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ उछलता है, तो मतलब बुल की एक टेंडेंसी है कि 100% वो जब भी अपने ओपोनेंट को मारेगा, हिट करेगा, तो हमेशा ऊपर की तरफ उछालेगा, नीचे सर डालेगा और हॉर्न्स में फंसाकर ऊपर की तरफ फेंकेगा, नीचे दबाने की कोशिश जमीन पे कभी भी नहीं करेगा। तो वो बुल की जो एनिमल इंस्टिंक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन्स ने बोला कि जब मार्केट ऊपर उछल रही होती है तो उसको बोलेंगे बुलिश है। और बेयरिश का मतलब क्या है, तो बियर से, भालू से लड़ाई करके देख लेना, भालू जब भी अपने ओपोनेंट को मारेगा तो हमेशा वो पंजा दबाकर नीचे की तरफ मारेगा, कभी भी ओपोनेंट को ऊपर नहीं उठाएगा, हमेशा नीचे की तरफ प्रेस करेगा, नीचे की तरफ मारेगा। तो भालू क्योंकि नीचे की तरफ मारता है और
स्ट्राइक डाउन करता है बिकॉज ही इज स्ट्राइकिंग डाउन, तो हम कहते हैं जब शेयर का रेट स्ट्राइक डाउन होता है, नीचे गिर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं बेरिश। तो ये कहानी है। और मीनवाइल चैट में यहाँ पर मेरे पास आ ही गया था, सर वो बता दो कैंडल्स देखा ही आपने लेकिन बताई नहीं, तो कैंडल्स के बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। बट आई विल बी शेयरिंग विद यू कि ये कैंडल क्या होती है, वाइट कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, इस कैंडल को पढ़ते कैसे हैं, इस कैंडल को रीड कैसे करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और नेक्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन हम खत्म कर लेंगे, विल बी फिनिशिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। हम एनएससी निफ्टी की कैलकुलेशन करना रहता है अभी, और सेंसेक्स की कैलकुलेशन करना रहता है, वो भी बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट सेशन में होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय माता दी।